start kar rahe the. So we'll start away with your costing portion that is there. Now, costing portion bahut vast hai. Okay, it's one of the biggest papers that you all have in finance also. It's something that is most important. So we'll start away with that. I'll take over your entire costing portion, whatever is there. So, jo bhi cheeze hain wo aapko thodi der ke baad I'll tell you. At least aapka jo chapter number 1 hai, uske liye something you have to be making. Aapki textbook ke na page number 1.1 hai. आप लोग उधर आ जाइए एंड स्टार्ट टू मेक वट एवर इज देयर ऑन द स्क्रीन. ओके, एक बार वो बन जाएगा उसके बाद आगे बात कर लेंगे. टेक्स्ट बुक के अंदर कॉपी करना स्टार्ट कर दो, उस पेज तक खत्म कर देना प्लीज. इतना सही और है एज कम्पेयर टू स्क्रीन पर है, टोटल इतना ही है. पर्टिकुलर से स्टार्ट कर दो, बाकी ऊपर प्रिंटेड है.
चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे सर. नाउ कॉस्टिंग इज वन सब्जेक्ट दैट ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ. आप लोगों ने अभी तक कॉस्टिंग जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं किया. इजी सब्जेक्ट. ओनली थिंग दैट आई रिक्वायर फ्रॉम यू ऑल इज गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, गुड कॉमन सेंस, नथिंग एल्स. ओके, रेस्ट वॉट एवर दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट वो आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा. ओके, तो आपका जो बुक है उसके अंदर व्हाट वी ऑल हैव ट्राई टू डू, जो भी चैप्टर्स हैं वो सब कुछ कवर्ड अप है. हर चैप्टर के बाद एक होमवर्क सेक्शन है जिसका सोल्यूशन आर देयर ऑन द वेबसाइट. सो वंस अ चैप्टर इज ओवर आपके पास 3 दिन का टाइम होगा. इन 3 डेज आई विल वांट द होमवर्क सेक्शन ओवर हियर. उसका बुक आप लोग अलग से मेंटेन करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसी चीज़ से. तो सुनो, कॉस्टिंग. नाउ Obviously, you all are doing your CA, okay? CA करके obviously you are going to be becoming a chartered accountant, okay? तो जैसे a CA basically specializes in accounts, okay? Same way, there is something called as a cost accountant. उसका भी obviously जो short form होगा वो CA ही होगा, okay? But it's slightly different. जो cost accountants वो होते हैं they will be only specializing in costing, okay? लेकिन costing वाला जो subject है वो CA के अंदर भी है और वो cost accountants के लिए भी है. मेरे को ज़रा बोलो आपके institute का नाम क्या है? ICAI, okay. तो obviously ICAI controls entire accounts in India, okay. जो भी आपके accounts के अंदर होता है, जो भी companies को follow करना होता है, उनको balance sheet ऐसे बनाना पड़ता है, everything is told and written by Institute of Chartered Accountants of India. Cost accounts के अंदर जो भी होता है that is written by ICWA, Institute of Cost and Works Accountant of India, okay. So they are the regulatory body for cost accounts in India. तो जो भी हम लोग करते हैं, okay, mainly उन्हीं के recommendation के हिसाब से करते हैं. अगर कुछ भी change होगा then they all try to tell us कि ये वाला change आप लोग लेकर आओ up and so on, okay. थोड़ा सा फ़र्क है ICAI में और ICWA में. ओके, सो ICAI controls what in India? Accounts. Whereas these guys will be controlling what in India? Costing. Okay. So that is whatever is a major difference. But apart from that, बहुत सारे और फ़र्क हैं. Okay. Example के तौर पर accounts और costing. Accounts जो आप लोग 11th standard से कर रहे हो, costing जो आप लोग first time कर रहे हो अभी, और फ़र्क क्या क्या है? First major फ़र्क in India is that making books of accounts, okay, is compulsory in India. कंपल्सरी का मतलब क्या होता है? जो आप लोग अकाउंट्स करते हो दैट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज फाइनेंशियल अकाउंट्स. ओके, जो भी आप लोगों ने आज तक अकाउंट्स किया है दैट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज फाइनेंशियल अकाउंट्स. ठीक है, जो अभी आप लोग कर रहे हो दैट विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंट्स. ओके, इन इंडिया फाइनेंशियल अकाउंट्स इन दिस केस इज कंपल्सरी. ओके, कंपल्सरी का मतलब क्या होता है? वेदर यू वॉन्ट यू डू नॉट वॉन्ट, एवरी कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स? फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट. एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी साल के एंड में नहीं बोल सकता मैं बैलेंस शीट नहीं बनाएगा, मेरे को बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं अच्छा लगता, मेरे को पीएनएल अकाउंट वो नहीं वो बनाना है, वो मेरा बिजनेस है, मेरे को नहीं करने का है. सो व्हाट यू ऑल विल डू, इट्स नॉट लाइक दैट. एवरी लॉ इन इंडिया, एवरी एक्ट इन इंडिया मेक्स इट कंपल्सरी दैट एवरी कंपनी हैज़ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जब भी तुम लोग इनकम टैक्स एक्ट वो पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यू हैव टू पे इनकम टैक्स, राइट? ओके, तो इनकम टैक्स एक्ट ओके टेल्स यू कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है. आप लोगों ने थोड़ा बहुत लॉ किया हुआ है इन लाइफ, ओके, तो कंपनी लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना कंपल्सरी है. वेदर यू वॉन्ट और नॉट यू हैव टू बी मेकिंग योर फाइनेंशियल अकाउंट्स, तुम्हारा अकाउंट्स होना चाहिए. अभी सपोज अभी अगर मेरे पास इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो दे विल आस्क मी कि शो योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, एट दैट टाइम वी हैव टू शो देम बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है? फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इंडिया के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कॉस्टिंग बुक्स भी मेंटेन करना है. जैसे आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है वैसे कॉस्टिंग के अंदर भी बनता है, लेकिन कॉस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नॉट कंपल्सरी बाय एनी लॉ इन इंडिया. इन यूके इट इज़ कंपल्सरी, इन इंडिया इट इज़ नॉट. ओके, तो वहाँ पर जो कंपनीज होता है वो लोग दो दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है, एक फाइनेंशियल अकाउंट्स आगे बोलो और दूसरा कॉस्ट अकाउंट. फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए एक जो कॉस्टिंग बुक्स होगा उसके लिए कॉस्ट अकाउंट. लेकिन इंडिया के अंदर कोई लॉ नहीं है जो आपको कंपलसरी करता है कि आपको कॉस्टिंग बुक्स भी मेंटेन करने का है. तो आपकी मर्जी, आपको लगता है आपको कुछ उसका यूज़ होगा तो आप मेंटेन कर लो, अगर आपको लगता है उसका कुछ यूज़ नहीं होगा दैट टाइम यू माइट नॉट बी मेंटेनिंग. बट इंडियन गवर्नमेंट डजंट मेक इट कंपलसरी फॉर एनीबडी टू बी मेकिंग कॉस्टिंग बुक्स. ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है.
अपार्ट फ्रॉम दैट जो थोड़े बहुत वो फ़र्क हैं दैट इज़ दिस इज़ कंपल्सरी दिस इज़ ऑप्शनल ओके यू विल ग्रेजुएट फ्रॉम ICAI यू विल बी कॉल्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू ग्रेजुएट फ्रॉम देयर यू विल बी कॉल्ड एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट ओके अपार्ट फ्रॉम दैट अकाउंटिंग ये जो होता है फाइनेंशियल अकाउंट्स ताकि एवरीबडी प्रिपेयर्स द सेम सेट ऑफ थिंग्स आपका जो ICAI है दे लॉन्च अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कभी सुना हुआ है ओके सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गिव मी अ फ्रेमवर्क ओके कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करें फॉर अ स्मॉल एग्जांपल स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर ऐसा मैंने या किसी और ने नहीं बोला ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने बोला हुआ है देयरफॉर यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग धीरे 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 नाउ इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल गो स्टार्ट टू गो अवे व्हेन यू विल रीच योर CFN अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल नॉट बी देयर दे विल स्टार्ट टू गेट रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वर्जन दैट इज कॉल्ड एज Ind AS In USA, there is something called as IFRS, which is there, okay? जो IFRS है these are global standards. Global standards का मतलब क्या होता है जो आपके accounting standards हैं वो किसने बनाए हैं ICAI ने those are only applicable to India. लेकिन they were not exactly on the similar lines जो दुनिया में हो रहा था तो धीरे 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 we are changing from Indian accounting standards to IFRS, okay? These are global accounting standards जो दुनिया की सारी companies, जो सारे developed countries वो फॉलो करते हैं तो लेकिन इंडिया के अंदर उतना कैपेसिटी नहीं है कि डायरेक्टली इधर से इधर तक वो पहुंच जाए तो अभी वो लोग एक ट्रांजिशन फेज के अंदर हैं जहां पे दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम AS टू Ind AS ओके Ind AS इज द इंडियन वर्जन ऑफ IFRS ओके एक बार 3 या 4 साल तो वो बीत जाएंगे व्हेन यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट टाइम इन इंडिया व्हाट विल बी एप्लीकेबल इज IFRS ओके International Financial Reporting Standards. Okay, so that time those particular things will be applicable. Okay, although all these things will be told in accounts also. Okay, I'm not trying to teach you accounts. I'm trying to teach you costing. Okay, so listen. ये लोग जो हैं दे लॉन्च ऑल दी स्टैंडर्ड्स ताकि यू कैन ट्राई टू फॉलो दोज पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स ओके लेकिन कॉस्टिंग के अंदर एज सच आप लोग के पोर्शन के अंदर देर इज नथिंग कॉल्ड एज कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स ऑल दो कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स भी दुनिया में होते हैं ओके जैसे देर आर सम रूल्स इन फाइनेंशियल अकाउंट देर आर सम रूल्स इन कॉस्ट अकाउंट्स ऑल्सो वो वाला रूल्स ICAI आपको कैसे वो बताता है All those particular things are called as cost standards. लेकिन वो CA के portion के अंदर नहीं है वो ICAI के portion के अंदर है ठीक है तो this particular part I will never ever be touching about क्योंकि वो CA course के अंदर नहीं आता ठीक है Apart from that, अभी एक चीज़ हमेशा वो याद रखना जो ICAI है ओके ICAI, I don't know you all know or not, but then it is the second largest body of accounts in the world. Okay, second largest body because it has maximum number of CAs. Okay, jitne CAs uske andar hote hain. Based upon that, India is the second largest body. The first is the CPA Institute of USA. Okay, that is the largest body of accounts. अभी धीरे 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 इंडिया विल स्टार्ट टू माइग्रेट टू IFRS. Okay, although अभी जो एप्लीकेबल है वो बेसिकली Ind AS वाला पार्ट है तो ये मैं तुम लोग को क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू डू ओके विल रिमेन सेम इवन इफ यू आर गोइंग टू बी गोइंग टू US सपोज आफ्टर डूइंग CA यू ट्राई टू थिंक लाइक यू नो कि मेरे को इंडिया के अंदर वो नहीं रहना आई विल गो ओवर देयर एंड प्रैक्टिस ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना यू कैन नॉट गो टू अमेरिका इन प्रैक्टिस ओके क्योंकि इंडियन CA इज इंडियन CA ओनली ओके व्हेन यू गो देयर आप लोग को वहाँ के इंस्टीट्यूट का एग्जाम देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज CPA एग्जाम सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ओके वो वहाँ का CA होता है ओके लेकिन सपोज आप लोगों ने वहाँ का एग्जाम भी दिया तुम लोग वहाँ के भी CA वगैरह तो वो बन गए Most of the things that are applicable in India are applicable in US also. It's almost on the same line. So therefore, we say it is universal. Universal का मतलब क्या होता है कि जो इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है वो US के अंदर भी है UK के अंदर भी है आपके बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स वही रहेंगे बहुत ज़्यादा कुछ चेंज वगैरह नहीं होने वाला ओके लेकिन कॉस्टिंग जो है एक अजीब चीज़ है पूरा वर्ल्ड इज डिवाइडेड अप इंटू टू पार्ट्स वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉस्टिंग इन इंडिया And we have something called as costing outside India. जो आप लोगों ने अभी अभी cost sheet का format तो वो बनाया है उसका title भी अगर textbook के अंदर तो वो देखोगे तो it is costing based upon principles in India. तो India का format कुछ और है okay? World का जो format है वो कुछ और है India has not shifted in this particular case to a new format. Okay? तो इन अराउंड सम टाइम वी विल बी लर्निंग दैट न्यू फॉर्मैट ऑल्सो ओके द वर्ल्ड हैज शिफ्टेड टू दैट पर्टिकुलर फॉर्मैट इंडिया इज स्टिल देयर इन द ओल्ड फॉर्मैट ओनली ओके तो याद रखना फ्यू थिंग्स इफ यू
are doing accounts, you have to follow rules of which institute? ICAI. There you have to follow ICWA. Udhar se graduation wo karoge, you all will become what? Cost accountant. ICAI say you all are doing ICA ka course. You all will become what? A chartered accountant. Okay. This is financial accounts is compulsory, but this particular thing is optional. Okay. Apart from that, yahan pe there are rules which are told through Ind AS ya through IFRS ya fir jo tum log seekh chuke ho, that is the accounting standards. Okay. Apart from that, yahan pe there is something called as cost standards, but those things are not valid. Okay. In your course as such. Okay. Apart from that, ye universal hota hai, lekin this is India and outside India. Okay. So if suppose you pass out from here and you try to think, suppose you become a ICWA. Okay. You become a cost accountant in India. The moment you will go to UK at that particular time, your cost sheet ka format will also be changing only. Okay. So entire costing is divided up into two parts. Something called as costing in India, something called as costing outside India. Okay. And that is one of the reasons India ke andar cost accounting koi karta nahi hai, kyunki ye wala jo institute hai, it is almost a dead kind of institute. Bolo kuch bhi new cheeze nahi leke aata hai, there is nothing new that comes. Foreign ke andar kya hota hai, all those things are not even put in India. ICWA does a brilliant work. Okay, whatever new things happen in around 1 or 2 years, it starts to get implemented in India also. Okay, so whatever you all are learning is actually not the latest stuff. What you are learning in India in costing is something like, you know, jo 20-30 saal wo purana hai. Okay, new things ICWA ne introduce wo nahi kiya. If you will do some foreign course, then you will meet me, I will tell you those particular things. Okay, but for the timing, what you are learning is nothing too great, honestly. Okay, but obviously 100 mark ka paper hai. Okay, you all know costing is a 100 marks paper. You know, in your group one it is a paper 3 paper. You know that there are 8 subjects. Okay, which are the 8 subjects? Let us count. No, first lecture hai to bolo. Meko order ke andar bolo. Your exam will be as per the order, not as per whatever you want it to be. Okay, to pehle it will be accounts, then law, then costing, then tax. Tax ke andar do part aayega, ek direct tax aayega, ek indirect tax, jiske andar GST will come. Tum log ne abhi GST pay kiya na bar, tumhari fees ke andar GST hota hai na beta. Aage fir group 2 will come. Group 2 matlab उसके ना एक एडवांस अकाउंट्स आता है, फिर ऑडिट आता है, फिर ITSM आता है, और फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है. इन द ओल्ड कोर्स कॉस्टिंग एंड FM वाज वन पेपर, नाउ दीज आर टू डिफरेंट पेपर्स. ओके, नाउ इन द न्यू कोर्स ICAI हैज पुट मेनी थिंग्स ऑफ फाइनल CA इन CA इंटर. ओके, और फाइनल CA उन लोगों ने क्या कर दिया? ओके, दैट इज वेरी एडवांस एज कम्पेयर टू वट एवर इट वॉज अराउंड अ ईयर बैक. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर केस वॉट वी आर गोइंग टू बी डूइंग, ओके, इट्स द बेस्ट पोर्शन दैट यू ऑल कैन गेट फॉर कॉस्टिंग. ठीक है, सो जो तुम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाया है, ओके, द कॉस्ट शीट दैट यू ऑल मेड इन योर बुक, अभी आई एम स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट. ओके, तो सुन, before I start with the explanation, few notes I have to give you, and there is one last thing that I have to tell you now because I am about to start with costing. Zara socho, tum log 11th standard se leke aaj tak financial accounts to kar hi rahe ho. Tumhara most of the questions ke andar zara socho, financial accounts karke tumhara aim kya hota hai? Sir, aim basically do hota hai. Sir, ye pata chal jaye ki profit kitna hai, to hum log uske liye trading aur P&L account bana lete the. Agar suppose ek manufacturing company hoga, we will make manufacturing, trading and P&L account, there will be 3 accounts. Okay, apart from that, sir, I would like to know that what is my statement of assets and liabilities. Uske liye you all make what? Balance sheet. Okay, so basically you have two aims. One is trying to find out profit for the period. Other particular thing, try to prepare a statement of assets and liabilities, jisko hum log balance sheet wagera bhi bol dete hain. Ek third aim jo tumko abhi tak ho nahi tha, that is we would also like to know that in a certain year hamara cash kidhar se aaya, kidhar gaya, that is popularly called as a cash flow statement. Okay, to jo bhi company listed company hoti hai, listed company ka matlab malum hai, jisne stock exchange se shares issue kiya hua hai to general public, okay, that is called as a listed company. Okay, तो उन कंपनीज का टर्नओवर अगर 50 करोड़ के ऊपर होता है, ओके, तब उन लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है. ये आपके अकाउंट्स और एफएम का पार्ट है. ओके, व्हेन वी बिकम,
तो जरा सोचो फिर कॉस्टिंग, अभी जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्टिंग के अंदर आपका मेन एम बेसिकली क्या होगा? वी आर ओनली ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस फोर लेटर वर्ड दैट इज कॉस्ट. ओके, एंड मेन एम ऑफ कॉस्टिंग इज ओनली टू डू कॉस्ट कंट्रोल. कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ऑब्वियसली एक कंपनी प्रॉफिट दो तरीके से कमा सकता है. ओके, फर्स्ट ट्राई टू डू मोर सेल, सेकेंड ट्राई टू रिड्यूस कॉस्ट. लेकिन कॉस्ट शायद आपकी मर्जी नहीं होती टू रिड्यूस द कॉस्ट. ओके, एग्जांपल से दैट कोई एक फैक्ट्री है, उसका रेंट है, आपकी मर्जी नहीं है कि रेंट कितना होना चाहिए, आपकी मर्जी होगी यू विल नॉट पे एनी रेंट. नो, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट सपोज फॉर अ स्मॉल एग्जांपल प्रोडक्ट बनाने के लिए तो मटेरियल चाहिए, मटेरियल इज अ कॉस्ट. ओके, तो क्या होना स्टार्ट हो जाता है व्हेन कंपनी स्टार्ट्स टू बिकम वेरी बिग, हर चीज़ के ऊपर उतना कंट्रोल नहीं रहता. ओके, सो धीरे 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 कॉस्ट स्टार्ट्स टू इंक्रीज अलॉट. Costing gives you a mechanism how to measure cost. Costing tells you how to cut down the cost. Costing tells you if cost extra is incurred, how much it is extra incurred. Okay. So basically what we try to look at only the cost part in costing. तो आपका जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, those guys have mainly tried to do one thing. They have tried to tell you how to measure cost, how to compute cost, how to reduce cost, how to do something called as performance evaluation. Performance evaluation मतलब तेरे को इतना खर्चा करना चाहिए था, तूने इतना खर्चा वो कर दिया, तूने ज़्यादा खर्चा किया तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया फिर. ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स यू आर ट्राइंग टू लर्न एज सच. ओके, ICAI ने एक लास्ट पार्ट एक्स्ट्रा तो रखा है, दैट इज द पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, वेयर बाय वी ट्राई टू टीच यू हाउ टू रन योर बिजनेस ऑल्सो. ओके, वेयर बाय हाउ टू इंक्रीज सेल्स, तुम्हारे प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या होना चाहिए, अप एंड सो ऑन. दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन टू सी ए फाइनल, बिकॉज इन सी ए फाइनल वट वी ऑल लर्न इज ओनली दैट पार्ट, हाउ टू रन योर बिजनेस. ठीक है, तो अगर पूरा का पूरा अपना जो सब्जेक्ट है कॉस्ट के ऊपर ही है, सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है. कॉस्ट इज एनी एक्सपेंस दैट यू इनकर, राइट. ओके, तो कुछ भी खर्चा करते हो दैट इज नथिंग बट कॉस्ट. ओके, तुम लोग लेक्चर के लिए सपोज वो ऑटो से आए, दैट्स योर कॉस्ट. ओके, एक कंपनी के लिए खर्चे तो बहुत होते हैं. सपोज आई ट्राई टू सी यार हर मंथ कौन कौन सा खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है. आई पे टू द फैकल्टीज, आई इनकर द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, आई पे द रेंटल्स, आई पे सैलरी टू माई स्टाफ. ओके, आई इनकर माई बुक्स कॉस्ट, सो मेनी कॉस्ट यार. ओके, सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, योर 80% ऑफ ऑल चैप्टर्स आर ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. ओके, सो वेन एवर आई ट्राई टू टेल यू थिंक समथिंग, सो थिंक फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो ज़रा सोचो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या क्या खर्चे कर सकता है. वो लोग प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं, बहुत खर्चे कर सकते हैं. सबसे पहले सपोज प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको एक फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री के अंदर खर्चे होंगे तुम्हारे. ओके, एग्जांपल के तौर पे सपोज एक रेंटल कॉस्ट हो सकता है, एक मैनेजर रखा तो भाई तो फैक्ट्री को संभाल दे, सब लोग बराबर काम करता है कि नहीं, वो एक खर्चा वो हो सकता है. सर प्रोडक्शन करेंगे तो मटेरियल का खर्चा होगा, फिर वर्कर लोगों को पे करेंगे, ऑल दीज पर्टिकुलर कॉस्ट विल गेट इनकर्ड. उसके बाद सर जो गुड्स हैं वो बन जाएंगे, लेकिन जरा सोचो कि बेचने भी तो हैं. ओके, तो सर शायद एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो, शायद हम लोग को ट्रांसपोर्ट करने पड़ेंगे गुड्स, उसका खर्चा हो. बीच में सपोज सर एक ऑफिस भी होएगा तो ऑफिस का भी खर्चा होएगा. अभी ऑफिस का सपोज एक ओनर है जिसको हम लोग सीईओ वगैरह या फिर कुछ भी, तो ओनर वगैरह तो वो बोल सकते हैं. सपोज वो एक सैलरी तो वो लेता होगा, उसके एक सेक्रेटरी है तो उसका पगार आता होगा. देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस. ओके, लिस्ट इज एंडलेस एंड फ्रेंकली यू कैन नॉट हैव एग्जॉस्टिव लिस्ट फॉर सच थिंग्स. ओके, but what we are trying to do, all the cost in this world we usually say should get classified into two parts. First type of cost will be called as direct cost. Second cost popularly going to be called as indirect cost. Lekin ye wala word ko use nahi karta, they popularly called indirect cost as overheads. theek hai, तो ओनली थिंक इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आई एम ट्राइंग टू टेल यू डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट कॉस्ट. ओके, तो सुनो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, सर गुड्स प्रोड्यूस करके बेचेगी और क्या करेगी. ओके, तो डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट का मैं तुमको डेफिनेशन दे रहा हूँ जो ICWA ने दिया. तो वो लोग ने क्या किया, मेरे को ये बताया दैट हाउ डू यू फाइंड आउट वेदर अ कॉस्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट और नॉट, दे ऑल हैव टोल्ड मी दैट. उन लोगों ने मेरे को ये नहीं बताया हाउ डू यू फाइंड आउट वेदर अ कॉस्ट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट और नॉट, क्योंकि वो लोग सिंपली क्या बोलता है, अगर कोई कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है, तो व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट, तो आराम से सुनना. डायरेक्ट कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच सैटिस्फाइज टू कंडीशंस फॉर अस. विच टू कंडीशंस? फर्स्ट,
It should be a cost which is fully proportional. Fully proportional to what? It should be fully proportional in this particular case to goods that you produce. Agar koi bhi aisa cost hai which satisfies first condition as well as the second condition, it is one example of which cost here? Direct cost. Okay. Koi bhi example apne dimag mein abhi zara socho. Aisa ek cost fully proportional. Fully proportional ka matlab kya hota hai? Example ke taur pe, suppose for a small example, abhi maine agar ek book print kiya to mere 500 page gaye. Okay. Agar maine do book print kiya, aage bolo, 1000 page gaye. Okay. So therefore paper is something like a direct cost. Okay. Why? It is a fully proportional cost. Fully proportional cost matlab ek hai to ye hai, do hua to double. Okay. Kuch bhi aisa cost hota hai, that particular cost will be called as which cost here? Direct cost. Okay. Main tum logo ko teen example deta hu, teen alag alag category ke example deta hu. Okay. To suno. For a small example, abhi mine was a company, say hum log aisa t-shirts banata hai. Okay. Abhi, in this case, we make black polo color t-shirts like this. That's my only product. Main aur kuch nahi banata. Aur uska sales wagera bahut tagda hota hai. Okay. In that case, zara socho. Suppose ek shirt banayega, to kapda chahiye mere ko. Okay. Suppose ek shirt banane ke liye 1 meter of kapda chahiye. Theek hai. Wo 1 meter of cloth main koi aur company se kharidta hu. Suppose it cost me 100 rupees. Theek hai. To zara socho, agar maine ek t-shirt banaya, तो मेरे को मटेरियल खरीदना पड़ेगा कितने रुपीस का यार 100. अगर मैंने दो टी-शर्ट्स बनाया तो मेरे को मटेरियल खरीदना पड़ेगा, बोलो जरा, तो कितने रुपीस का 200. ओके. इज दिस अ फुल्ली प्रोपोर्शनल कॉस्ट? यस. ओके. सेकंड, इज दिस कॉस्ट इनकर्ड व्हेनेवर यू प्रोड्यूस? यस. मेरा मटेरियल कॉस्ट का खर्चा कब होगा? जब मैं गुड्स प्रोड्यूस करेगा. ओके. सो देयरफॉर दिस इज वन एग्जांपल ऑफ समथिंग कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट. याद रखना, डायरेक्ट कॉस्ट तभी होगा जब दिस कंडीशन बोथ ऑफ देम आर सैटिस्फाइड. अगर एक भी कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होता, मतलब इधर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन और बोथ द कंडीशंस आर नॉट सैटिस्फाइड, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम व्हिच कॉस्ट? वाज इनडायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है, जिसको हम लोग ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो सुनो. चलो, ये हो गया मेरा फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल अलग कलर में लिखता हूं. सुनो, मेरे पास ना, सपोज ये वाला जो शर्ट है, हम लोग ये वाला शर्ट वगैरह तो वो बनाता है अभी ना, बट दिस शर्ट इज हैंड स्टिच्ड. ओके. तो आई हैव अ टीम ऑफ 20 टेलर्स. ओके. जो लोग हमारे लिए शर्ट्स वगैरह तो वो बना देते हैं. मैंने मेरे जो टेलर लोग हैं, मैंने उनको तो वो बोला हुआ है, अगर तुम लोग एक शर्ट बनाएगा, उसको स्टिच करेगा, वो टी-शर्ट बनाएगा. ओके. आई विल पे यू से 75 रुपीस. ओके. अगर वो लोग दो टी-शर्ट्स बनाएगा, मतलब स्टिच करेगा, आई विल बी पेइंग देम कितना रुपीस बॉस? 150. जरा सोचो, व्हाट इज दिस कॉस्ट? दिस इज अगेन डायरेक्ट कॉस्ट ओनली. बाय, इज दिस अ फुल्ली प्रोपोर्शनल कॉस्ट? यस. अगर एक शर्ट तो इतना, दो शर्ट्स तो इतना. ओके. एंड व्हेन इज दिस पर्टिकुलर कॉस्ट इनकर्ड? जब भी प्रोडक्शन होगा. ओके. अगर कोई भी ऐसा कॉस्ट है, ओके, व्हिच इज इनकर्ड व्हेनेवर यू प्रोड्यूस समथिंग एंड इफ इट इज अ फुल्ली प्रोपोर्शनल कॉस्ट, इट विल बी वन एग्जांपल ऑफ व्हिच कॉस्ट हियर? डायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है. थर्ड, अभी ना इन दिस पर्टिकुलर केस, तो समथिंग लाइक दिस, ये जो तुम्हारा थर्ड वाला कॉस्ट है, एक एग्जांपल ये हो गया कपड़े का, एक एग्जांपल ये हो गया आई पे टू माय वर्कर्स. अभी थर्ड एग्जांपल, ये जो थर्ड एग्जांपल है कुछ ऐसा, मैं ना सॉलिड टी-शर्ट से वो बनाता था, लेकिन अब मेरे को लगता था कोई मेरा टी-शर्ट वगैरह तो वो खरीदेगा ही नहीं. ओके. तो फिर मैं क्या करूं? तो मैं ना यूएस पोलो के पास गया, जो लोग टी-शर्ट्स वगैरह तो वो बनाते हैं. ओके. मैंने बोला, सुनो, मैं ना अपना ब्रांड ऑफ टी-शर्ट्स वो बनाऊंगा, लेकिन वो कोई खरीदेगा नहीं, तो इसलिए वी विल हैव वन कॉन्ट्रैक्ट. मैंने यूएस पोलो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आई विल मेक टी-शर्ट एंड आई विल पुट योर लोगो ऑन दैट. लोग देखकर ही टी-शर्ट्स वगैरह खरीदना स्टार्ट वो कर लेगा. ठीक है. तो मेरा उनका कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा है, जब भी मैं एक टी-शर्ट बनाऊंगा और मैं उसके ऊपर यूएस पोलो का एक लोगो तो वो डालूंगा, आई हैव टू पे देम 50 रुपीज एज रॉयल्टी चार्जेस. तो रॉयल्टी का मतलब तो वो समझ में आता है, नाम यूज करने का चार्जेस. ओके. तो मेरा उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जब भी मैं एक टी-शर्ट बनाता हूँ, आई विल पे देम से 50 रुपीज एज रॉयल्टी चार्जेस. अगर मैं दो टी-शर्ट्स बनाऊंगा, आई विल पे देम कितना रुपीज यार? 100.
Zara socho that is this a direct cost? Yes. Why? First, it is fully proportional. Second, mera unke saath contract kya bolta hai ki whenever I produce one t-shirt and I put the logo, I have to pay something. It's not that whenever I sell my t-shirt, it's not like that. Mera jo contract tha unke saath wo yehi bolta tha ki jab bhi aap t-shirt banaoge, aap uske upar logo chipkaoge, you pay 50 rupees as royalty charges. Okay. So again, this is one example of something like your direct cost. Okay? Actual के अंदर ये जो तुम्हारा चीज है, these are three bifurcations of direct cost. एक direct material हो गया, उसके बाद एक direct labor हो गया, उसके बाद एक direct expenses हो गया. ये जो तुम्हारा direct cost का head है ना, इसका तीन parts हो जाता है. First of them it is direct material, second of them is direct labor, third of them is direct expenses. अभी ICW ना बहुत शाना निकला. अभी उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने मेरे को इसका डेफिनेशन बताया, दैट आई एम अबाउट टू टेल यू. फिर इसका डेफिनेशन भी बताया, फिर इसका डेफिनेशन उन लोगों ने कभी आज तक तो वो दिया ही नहीं. वो सिंपली बोल देता है कोई भी और डायरेक्ट कॉस्ट होगा, अगर वो डीएम और डीएल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डीई, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसिस. तो अभी देख लेते हैं फिर डायरेक्ट मटीरियल क्या होता है. तो सुनो, डायरेक्ट मटीरियल is that direct cost. तो याद रखना मेरा दो condition तो satisfy हो चुका है पहले. तो already मतलब it is a fully proportional cost, already it is incurred whenever you produce something. तो दो condition तो satisfy हो चुका है. लेकिन दो condition satisfy होने के बाद बेटा तीन head है, मैं किधर जाऊँ? Direct material के अंदर भी जा सकता हूँ, direct labor के अंदर भी जा सकता हूँ, direct expenses के अंदर भी जा सकता हूँ, तो मैं किधर जाऊँ फिर? Okay. तो तुम्हारा direct material का definition क्या बोलता है? It is the cost incurred for that material which forms part of your product. अगर कुछ भी ऐसा material है which forms part of your product, then in that case that will be called as direct material. मैं तुमको दो example देता हूँ, something that is material, something that is not material. Okay, example, ये pen बनेगा. Okay, pen बनाने के लिए plastic चाहिए. Okay, क्या plastic इस pen के अंदर है? Yes, तो वो direct material है. Suppose कुछ और जो direct material नहीं है, example के तौर पे, ये pen ना suppose machines के through वो बनता है, ठीक है? Machines चलने के लिए suppose कोयला भी चाहिए. Okay, क्या इस pen के अंदर कोयला भी छुपा हुआ है? नहीं ना. ओके, तो वो जो मर्जी हो, वो जिधर मर्जी आए, लेकिन वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है. ओके, आप लोग बेंच पे बैठे हो, व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल? ओके, सो एनीथिंग दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल. ठीक है, बाकी और कोई भी चीज होगी उसके लिए कोई और हेड बाद में आ जाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर नहीं आएगा. ठीक है, दिस इज वन थिंग. आगे डायरेक्ट लेबर. What is direct labor? Direct labor is a money paid to those workers who will produce your product. याद रखना, first दो conditions तो satisfy हो ही चुका है. उसके बाद एक और extra condition क्या है? These guys should be those workers who produce your product. अगर वो तुम्हारा product बनाते हैं, then it will become what here? Direct labor. Example के तौर पे, अभी suppose मेरे जो tailor लोग हैं, those guys stitch the shirts. Okay, so those guys are engaged in production. No, उनको जो भी पैसा देगा, that will be called as what here? Direct labor cost. Okay, कई लोग उसको ना direct wages करके भी बोल देते हैं. These two are same terms only. ठीक है, तुमको एक और example देता हूँ, जो direct wages नहीं है. Example के तौर पे, ये जो टेलर लोग थे, मैंने लोगों को बोला एक शर्ट स्टिच करोगे तुमको 75 रुपीस देगा, दो करोगे तो आई विल पे यू 150 वगैरह. ठीक है, मेरे को ना इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं था कि बराबर काम करेंगे कि नहीं. मैंने एक और बंदे को पकड़ा, मैंने उस बंदे को बोला तू इनको ना तू सुपरवाइज कर, जब भी एक बंदा एक शर्ट बराबर से प्रोड्यूस करेगा आई विल पे यू 10 रुपीज एज सुपरविजन कॉस्ट. ठीक है, ये जो 10 रुपीज है जिधर मर्जी आए, लेकिन बोलो मेरे को डायरेक्ट लेबर में नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दैट गाय इज नॉट डूइंग द प्रोडक्शन. वन थिंग दैट इज नेसेसरी दैट यू हैव टू बी डूइंग द प्रोडक्शन. इफ यू विल नॉट डू द प्रोडक्शन दैट थिंग यू कैन नॉट बी कमिंग इन द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर. ठीक, बस इसके लिए एज आई टोल्ड यू मेरे पास कोई डेफिनेशन नहीं है. एनीथिंग दैट डज नॉट सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया विल ऑटोमेटिकली बी कॉल्ड एज व्हाट योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एग्जांपल के तौर पे जो मैं यूएस पोलो को पे कर रहा हूँ, फ्रैंकली मैं उनको पे कर रहा हूँ नॉट फॉर मटीरियल. आई एम नॉट पेइंग देम फॉर लेबर, आई एम ओनली पेइंग देम फॉर यूजिंग देयर लोगो. ओके, सो देयरफॉर आई एम यूजिंग देयर ब्रांड नेम बेसिकली. ओके, सो देयरफॉर इट इज नॉट डीएम, इट इज नॉट डीएल, ऑटोमेटिकली इट विल बी कमिंग वेयर योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, मैं तुमको इतना लिख के दे रहा हूँ एंड देन विल proceed further. In your notebooks, you will give a heading, classification of cost.
classification of costs. पेन चाहिए? देखो, कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड ईदर एज, नेक्स्ट एंड भी लिखो, रोमन नंबर वन, डायरेक्ट कॉस्ट, नेक्स्ट एंड भी लिखो, एज पर ICWA कॉमा डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच सैटिस्फाई बोथ द कंडीशंस mentioned below. Next example, A. Cost should be fully proportional. Second, it should be fully proportional to goods that company will produce. नेक्स्ट टाइम देखो, देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट. नेक्स्ट टाइम देखो, फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल, डैश इट इज अ कॉस्ट इनकर्ड ऑन दोज मटेरियल्स विच फॉर्म part of the product. Example, plastic in a pen, paper in a book, direct labor or direct wages. Direct labor or direct wages. Dash. It's the money paid to those workers who produce the product.
Third, direct expenses. Dash. Any other direct costs which is not DM or DL. Any other direct cost which is not DM or DL, direct material or direct labor, will automatically become direct expenses. Next, we will go note. For ICAI exams, comma, nothing will be deemed to be, nothing will be deemed to be direct cost. Sorry, nothing will be deemed to be direct expenses. Unless and until mentioned in the problem. अच्छा सुनो, ये जो लास्ट चीज जो मैंने तो वो लिखवाए तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, बस कुछ भी अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो सम मेंशन करता है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है. अगर सामने नहीं मेंशन किया उसको किधर भी लेना, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर मत लेना. ओके, कुछ भी चीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर वो होगा, दे विल टेल यू दैट पर्टिकुलर थिंग कि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. ठीक है, अभी जो यूएस का जो इंस्टीट्यूट, सॉरी जो यूके का जो इंस्टीट्यूट है, ओके, जैसे इंडिया के अंदर यू हैव समथिंग कॉल्ड एज ICWA. ICWA का फुल फॉर्म बोलो, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, जैसे इंडिया में ICAI है, पैरेलली यूएस के अंदर CPA इंस्टीट्यूट है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. ठीक है, तो ये लोग इंडिया के अंदर अकाउंट्स कंट्रोल करते हैं, ये लोग अमेरिका के अंदर अकाउंट्स कंट्रोल करते हैं. ठीक है, अभी इंडिया के अंदर कॉस्टिंग कौन कंट्रोल करता है? ICWA. यूके के अंदर कॉस्टिंग का सबसे बड़ा बॉडी है कॉल्ड एज CIMA, Chartered Institute of Management Accounts. Okay, that's the largest body for costing. ठीक है, as I told you, India के अंदर costing बहुत पीछे है. अभी new formats के हिसाब से एक चीज जो हो चुका है, इन लोगों ने direct expenses वाला head जो है निकाल दिया है. Okay, वो लोग बोल देते हैं कि direct expenses जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता. So whenever you will be going to UK to study further, अगर कभी costing पढ़ोगे तो वहाँ पे cost sheet के अंदर direct expenses भी नहीं आएगा. तो अगर कोई भी expense आया जो तुमको लगता है कि direct expenses है, वो लोग mostly उसको कोई और head के अंदर include कर ही देंगे. That I'll tell you after some time. ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीज के ना डायरेक्ट कॉस्ट का आजकल दो ही पार्ट्स होता है. कौन सा दो पार्ट्स? डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर. ठीक है, यहाँ पर तीन पार्ट्स क्या है, स्टिल वी आर ट्राइंग टू डू द इंडियन पोर्शन ओनली, तो यहाँ पे अभी भी तीन हेड्स है. ठीक है, अच्छा, एज आई टोल्ड, इनडायरेक्ट कॉस्ट, बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे पास. एनीथिंग दैट इज नॉट डायरेक्ट कॉस्ट ऑटोमेटिकली बिकम्स विच कॉस्ट? यार, इनडायरेक्ट कॉस्ट. अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर वर्ल्ड वाइड तीन हेड होता है. ओके, यहाँ पे दिल मांगे मोर, सो देयरफॉर वी विल बी हैविंग फोर हेड्स. ओके, समथिंग कॉल्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स फर्स्ट, सेकंड कॉल्ड एज एडमिन ओवरहेड्स, थर्ड कॉल्ड एज S&D ओवरहेड्स, एंड लास्ट आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम. ओके, तो सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स. लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखना, तुम लोग हर एक कॉस्ट को पहले यू पास इट थ्रू दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप कौन से हेड के अंदर चले जाओगे? डायरेक्ट कॉस्ट. फिर तुम लोग इधर कभी पहुंच ही नहीं पाओगे. ओके, द फैक्ट कि तुम लोग यहां पर पहुंचे हो उसका मतलब क्या है? या पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, या दूसरा नहीं हुआ, या दोनों नहीं हुए. ठीक है, तो द फैक्ट दैट यू हैव रीच द डेफिनेशन ऑफ ओवरहेड्स, दैट ओनली टेल्स यू दैट एक्सपेंस इज नॉट डायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है, देन अगर वो चीज़ डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है तो उसके लिए तीन जगह है मेरे पास, या फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा, या एडमिन होगा, या S&D होगा. ओके, अभी तीनों के बारे में तुमको एक एक लाइन ही बस वो बोल रहा हूँ. व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स?
It is any expense incurred till the goods move out of the factory gate. Okay. कोई भी ऐसा expense है जो लगता है जब तक goods factory gate के बाहर नहीं जाते. All those particular expenses will be called as which expenses यार factory. But provided एक basic चीज, it is not direct cost. क्योंकि अगर वो direct cost होता तो भाई मैं उसके बारे में अभी तुमको बात नहीं करता. उसके बारे में मैं बात तो कर ही चुका हूँ. Okay. तो याद रखना, एनी एक्सपेंस विच इज इनकर्ड टिल द गुड्स मूव आउट ऑफ द फैक्ट्री गेट विल बी नथिंग बट फैक्ट्री ओवरहेड्स. मैं अगर लिस्ट या फिर एक्सपेंसेस के एग्जांपल देने के लिए जाऊं, तीन चार घंटे बीत सकते हैं. ओके, फ्यू आई विल गिव यू. ओके, एग्जांपल फैक्ट्री के ना क्या क्या खर्चे हो सकते हैं. सर, फैक्ट्री का रेंट होगा, फैक्ट्री का मैनेजर होगा. सर, फैक्ट्री के ना प्लांट एंड मशीनरी है, जब वो खरीदेंगे बहुत बड़ा खर्चा होगा, लेकिन उसके ऊपर डिप्रिसिएशन विल बी फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके, मैंने कई वर्कर लोगों को रखा हुआ है इन माई फैक्ट्री टू कैरी द रॉ मटेरियल फ्रॉम द गोडाउन टू वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड. उन लोग को जो पगार, दोज गाइज आर नॉट डूइंग द प्रोडक्शन. ओके, उन लोग को जो भी पगार मिलेगा वो क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स. एक मैंने वर्कर को रखा, मैंने बोला फैक्ट्री को तो झाड़ू मार. ओके, इन दैट केस वट एवर आई पे हिम, जरा सोचो, इज दैट डायरेक्ट लेबर? नो, इट इज नॉट डायरेक्ट लेबर. That guy is not doing production. Such guys are popularly called as indirect labor. Okay, indirect labor, याद रखना, हमेशा कौन से head के अंदर आता है, factory over है, क्योंकि these guys are not engaged in production. मैंने एक बंदे को रखा, मैंने बोला तू रोज plant and machinery के अंदर oil डालेगा. That guy, whatever you are paying to him, okay, is nothing but indirect labor cost. Okay, so all those particular costs will be coming where यार, factory over. It's factory over इसके तीन और common नाम. कई लोग उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलता है, कई लोग उसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बोलता है, कई लोग उसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोल देता है. ओके, कई लोग उसको वर्क्स ओवरहेड्स भी बोल देता है. वर्क्स बोले तो फैक्ट्री. ओके, तो दीज आर फोर कॉमन नेम्स. आई विल गिव यू दैट पर्टिकुलर लिस्ट आफ्टर सम टाइम. उसके बाद एडमिन ओवरहेड्स. जरा सोचो, कोई भी एक कंपनी का सिर्फ फैक्ट्री तो नहीं होता है. ओके, ऑब्वियसली एक ऑफिस भी होगा जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है. ओके, ऑफिस के भी खर्चे वगैरह तो होंगे. सोचो जरा क्या क्या खर्चे हो सकते हैं. अभी ऑफिस के ना सपोज कंप्यूटर होएगा, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन. ऑफिस के ना प्यून्स होंगे, उनको पगार देगा. ऑफिस के ना एक सेक्रेटरी होगी, उसको पगार दोगे. ओके, ऑफिस का रेंटल आएगा या फिर खुद का है तो डिप्रिसिएशन आएगा. ओके, फिर उसके बाद सपोज ऑफिस के ना इंटरनेट है तो उसका खर्चा. ओके, उसके बाद सपोज तुम्हारे अकाउंट्स हर साल ऑडिट होंगे. ऑडिट का मतलब समझ में आता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, वेरीफाई करेगा कि तुम्हारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है बराबर है कि नहीं. ओके, जो भी उसको पैसा दोगे दैट विल बी नथिंग बट इन दिस केस योर एडमिन ओवरहेड्स ओनली. ओके, कंपनी का एक खुद का एक अकाउंटेंट होगा. ओके, तो उसको भी पगार दोगे, दैट विल ऑल्सो बी नथिंग बट योर एडमिन ओवरहेड्स ओनली. Also called as office expenses, also called as management expenses. ठीक है, lastly selling and distribution. Selling, distribution, वैसे तो अलग अलग नाम है with two different meanings also. लेकिन तुम्हारे लिए that difference is of no use, क्योंकि फिर भी head same ही है. लेकिन मैं तुमको फिर भी difference वो बता रहा हूँ. Selling expense क्या होता है, direct, और distribution expense क्या होता है. Selling expense, मैं सॉलिड यूनिट्स वो बनाता था लेकिन कोई खरीदता नहीं था, तो मैंने सोचा अभी हाउ विल पीपल बाय माय प्रोडक्ट. मैंने एड्स मारना स्टार्ट किया. एडवर्टाइजमेंट इज नथिंग बट सेलिंग एक्सपेंस. ओके, मैंने कई सेल्समैन रखे, सेल्स वुमेन रखे. मैंने बोला तुम घर घर जाओ, गुड्स बेचो, उनको जो कमीशन वगैरह देगा दैट इज समथिंग लाइक योर सेलिंग एक्सपेंस. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस विच इज इनकर्ड टू मेक द गुड्स रीच टू द फाइनल कस्टमर. एक छोटा ऐसा एग्जाम्पल दैट Each of one all, at least you all will be knowing now. Okay, तुम लोग Flipkart से कुछ order करते हो, Flipkart तुमको goods नहीं बेच रहा है, कोई और बंदा जो seller है Flipkart पर वो तुमको goods बेच रहा है. Okay, मतलब उसको goods distribute करवाने पड़ते हैं from his place to our place. Okay, वो जो उस बंदे का courier का खर्चा जो खर्चा होगा that will be nothing but distribution expense. Okay, any expense which is incurred to make the goods reach to the final customer. Example, भूख लगी तो पिज्जा हट को फोन किया, that guy will come in the scooter. Okay, वो जो पिज्जा का डिलीवरी कॉस्ट है, उसका पेट्रोल का खर्चा, वो सब कुछ जो पिज्जा डिलीवरी बॉय को पिज्जा हट विल पे. ओके, ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग्स आर नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. ठीक है, तो दीज आर थ्री हेड्स एज सच. ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एनी एक्सपेंस विच इज इनकर्ड टिल द गुड्स मूव आउट ऑफ द फैक्ट्री गेट. सेकंड वाला एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस, एडमिन. ओके, एनी एक्सपेंस इनकर्ड टू मैनेज योर बिजनेस इन अ प्रॉपर वे. एंड थर्ड थिंग, एनी एक्सपेंस विच
which is incurred either to sell your goods or any expense which is incurred to distribute your goods. Sometimes these expenses, khaskar jo selling expense hai, is also called as marketing expenses. Okay, because these are costs that are incurred to market your product. Okay, so ye ho gaya tumhara teen heads as such. Okay, so tum log heading do Roman number 2. Roman number 1 was direct cost, likho Roman number 2. देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट नेक्स्ट एग्जांपल लिखो एनी कॉस्ट व्हिच डज नॉट सैटिस्फाई बोथ द कंडीशंस of direct cost will be called as indirect cost. Full stop. They can be further classified into नेक्स्ट एंगल लिखो फर्स्ट चार नाम चारों के चारों लिख के देता हूं लिखो फर्स्ट फैक्ट्री स्लैश प्रोडक्शन स्लैश मैन्युफैक्चरिंग स्लैश वर्क्स ओवरहेड्स WORKS वर्क्स ओवरहेड्स डैश दीज आर एक्सपेंसेस incurred till the goods move out of the factory gate. Example, salary to factory manager, depreciation on plant and machinery, comma, indirect labor, indirect labor ke bracket mein likhna, money paid to clean the floor or machinery, bracket close. Second, admin administration slash office slash management expenses. Now, these are expenses which are incurred to run the business. Example, amount paid to office staff
comma, chartered accountant. Comma, office rent, etc. Third, selling, distribution, or marketing expenses. These are expenses which are incurred to sell the goods or distribute the goods. Example, advertisement, comma, sales commission, etc. अच्छा स्क्रीन पे अभी जरा देखो देखो कभी ना कभी ऐसे एक्सपेंसेस आ जाएंगे जिसके लिए ना तुम लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे सर उसको किधर डालो ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे अभी जरा सोचो ध्यान से सुनना है वाला पार्ट एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मेरे को फैक्ट्री स्टार्ट करने का था ठीक है मेरे पास पैसा तो था नहीं मैं सोचा बैंक जाएगा लोन लेगा सर ओके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन की जरूरत पड़ती है कभी कभी खुद के पास पैसा नहीं है तो अगर मेरे को लोन लेना पड़ेगा मेरे को बोलो हर साल लोन के ऊपर क्या पे करूंगा इंटरेस्ट अब मेरे को बोलो इंटरेस्ट को किधर रखूँ तुम्हारे हिसाब से इंटरेस्ट किधर आना चाहिए तुम्हारे पास अभी तक 6 हेड्स हैं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स एडमिन NS&D ठीक है आपके पास 6 हेड हैं हर एक एक्सपेंस किधर ना किधर तो आना चाहिए अभी जरा सोचो इंटरेस्ट कॉस्ट किधर आएगा स्पीक हाँ स्पीक इट्स ओके रॉन्ग हुआ राइट हुआ आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड बट आई एम इंटरेस्टेड दैट यू वाला स्पीकिंग ओके मेरे को जरा बोलो तुम्हारे हिसाब से इंटरेस्ट कॉस्ट किधर आएगा बोल दिया करो दैट्स ओके एवरीबडी एटलीस्ट यू सेव वन आंसर नो एटलीस्ट एक आंसर तो बोलो तुम्हारे हिसाब से ये जो तुम्हारा इंटरेस्ट वाला एक्सपेंस है इसको किधर रखूं इफ आई गिव यू ओनली 6 ऑप्शंस BM DLD फैक्ट्री एडमिन SND मैं तुमको हर एक का डेफिनेशन दिया तो अभी हर एक चीज किधर ना किधर तो फिट होना ही चाहिए मेरे को बोलो इंटरेस्ट को किधर डालूं एडमिन लेकिन मेरे को जरा बोलो ज्यादा इंटरेस्ट देगा तेरा बिजनेस अच्छे तरीके से मैनेज होएगा एडमिन एक्सपेंसेस दीज आर दोज एक्सपेंसेस विच हेल्प यू इन रनिंग योर बिजनेस बेटर राइट ओके अगर तुम लोग इंटरेस्ट ज्यादा देगा क्या तुम्हारा बिजनेस अच्छे तरीके से मैनेज होएगा नहीं सर अच्छा कुछ और बोलो फिर मतलब एडमिन तो नहीं है कुछ और बोलो अकाउंटेंट क्यों पे करेगा मैडम बेटा मैंने लोन लिया मैं कंपनी का मालिक है मैंने लोन लिया तो मैं इंटरेस्ट दूंगा ना अकाउंटेंट क्यों देगा वो तो बस एंट्री पास करेगा तो वो थोड़ी पे करेगा वो थोड़ी कंपनी का मालिक है तूने लोन लिया तेरा अकाउंटेंट थोड़ी वो पैसा देगा बोलो तो अभी 5 हेड वो बच गए मतलब एडमिन तो है नहीं कुछ और बोलो अभी चलो फैक्ट्री ओवरहेड्स लेकिन आर दीज एक्सपेंसेस रियली इनकर्ड इन द फैक्ट्री आई एम स्टिल नो ठीक है अभी 4 हेड बच गए बोलो बट दिस इज ऑल्सो समथिंग लाइक अभी आप लोगों ने जो कॉस्ट शीट बनाया दिस इज समथिंग लाइक PNL अकाउंट ओनली आई हैव टू क्लासिफाई एवरी एक्सपेंस यू किधर ना किधर डाल के देन आई विल मेक काइंड ऑफ अ PNL अकाउंट तुम्हारा जैसे नॉर्मल अकाउंट्स के ना PNL अकाउंट बनता है यहाँ पे वो कॉस्ट शीट बनता है बस ओके मेरे को बोलो किधर डालूं चलो डायरेक्ट कॉस्ट में तो नहीं आएगा एज शी हैज टोल्ड ओके क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रोपोर्शनल कॉस्ट नहीं है ठीक है तो इधर तो नहीं आएगा ओके फैक्ट्री ओवरहेड तो मैंने मना कर दिया एडमिन तो मैंने मना कर दिया SND शायद वो हो भी नहीं सकता ओके क्योंकि उसका सेल्स के साथ तो कुछ ताल्लुक नहीं ये थोड़ी है कि मैं इंटरेस्ट ज्यादा पे करूंगा लोग मेरा गुड ज्यादा खरीद लेगा उसका उससे क्या ताल्लुक है ओके तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस मिलेंगे तुम लोगों को जो शायद इन डेफिनेशंस के अंदर कभी फिट ही ना हो
All such expenses we popularly start to call that these are nothing but financial expenses. Costing और तुम्हारे financial accounts के ना एक फर्क है. ऐसे expenses तुम लोग debit कर देते हो in your P&L account. Okay. अभी ये वाले expenses costing के अंदर कभी आते ही नहीं. Okay. क्यों? क्योंकि उसका एक major reason जो है दुनिया में कॉस्टिंग जो है क्यों फॉलो किया जाता है ताकि वी कैन हैव सम कॉस्ट कंट्रोल. ओके, ताकि हम लोग अपने कॉस्ट कंट्रोल कर सकें. अभी कॉस्ट कंट्रोल करने का काम जो होता है इस बंदे का होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का. ओके, देयर आर सम एक्सपेंसेस जो वो बंदा कंट्रोल कर ही नहीं सकता. एग्जांपल इंटरेस्ट, इट इज़ नॉट इन हिज हैंड्स. मोस्टली इंटरेस्ट क्यों पे करते हो? क्योंकि आप लोग लोन लेते हो. लोन लेने का डिसीजन जो होता है वो कॉस्ट अकाउंटेंट्स नहीं लेते. ओके, दोज आर मेनली टेकन बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. सो देयरफॉर देयर आर सम थिंग्स दैट आई कैन नॉट कंट्रोल. तो जो भी चीज अपने कंट्रोल के अंदर नहीं होती वी कॉल ऑल सच थिंग्स एज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. और तुम्हारी कॉस्ट शीट के अंदर कभी भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस लिखा नहीं जाता है. क्योंकि मैं कॉस्टिंग ही क्यों फॉलो करता हूं? ताकि कॉस्ट कंट्रोल हो सके. अगर कोई एक्सपेंस को हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर सकता, व्हाई द हेल टू टॉक ऑफ इट. ओके, सो सच एक्सपेंसेस आर पॉपुलरली कॉल्ड एज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. और याद रखना, फाइनेंशियल अकाउंट मतलब तुम्हारा नॉर्मल अकाउंट जो तुम लोग 11th स्टैंडर्ड से करते हो, वहां पे ये सब चीजें पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाएंगी. कॉस्टिंग के अंदर ये सब चीजें कभी रिपोर्ट ही नहीं होती. ओके, तो अगर कभी इंटरेस्ट आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका एंट्री पास करता है. कौन उसका एंट्री नहीं पास करता है? कॉस्ट अकाउंटेंट, क्योंकि वो उसको कंट्रोल ही नहीं करता, तो इसलिए वो लोग उसको निकाल ही देते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स तुमको दे रहा हूं. एग्जाम्पल जरा सोचो, इनकम टैक्स. ओके, अभी तुम लोग पैसा कमाएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करेगा. ओके, अगर तुम्हारा नॉर्मल अकाउंट्स होता, नॉर्मल अकाउंट्स बोले तो फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पर वो आ जाएगा. इधर वो कोई हेड के अंदर फिट ही नहीं होगा. ओके, सो देयरफॉर इट इज फाइनेंशियल एक्सपेंस. ठीक है, तो देयर आर मेनी सच एक्सपेंसेस जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो सकते हैं. प्लीज याद रखना, एग्जाम के लिए ऐसा मत सोचना कि जिस एक्सपेंस का क्लासिफिकेशन तुमको नहीं आएगा तुम उसको फाइनेंशियल एक्सपेंसेस तो वो बना डालेगा. वो ऐसा नहीं होता. ओके, जो एक्सपेंस क्लासिफाई ही नहीं हो सकता दैट विल बिकम फाइनेंशियल. तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तुमको नहीं आता वो तुम्हारा प्रॉब्लम है. ओके, लेकिन अगर कोई एक्सपेंस क्लासिफाई ही नहीं हो पाएगा देन इन दैट पर्टिकुलर केस दैट एक्सपेंस विल बी कॉल्ड एज विच एक्सपेंस? फाइनेंशियल. ठीक है, अभी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस वाला जो हेड है ना, इसको थोड़ा सा और बड़ा वो कर देता हूँ. इसके अंदर ना फाइनेंशियल इनकम्स भी डाल देता हूँ. अभी फाइनेंशियल इनकम्स का मतलब क्या होता है? ज़रा सोचो, मेरा ना एक बिजनेस था, गुड्स बना के गुड्स बेचूंगा. ठीक है, मैंने वो बिजनेस अच्छे तरीके से किया, बहुत पैसा आया मेरे पास. ओके, बहुत पैसा आया, मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर डाल दिया. ठीक है, तो मेरे को डिविडेंड मिलेगा. ओके, जो डिविडेंड मेरे को मिलता है उसका मेरे बिजनेस से कुछ ताल्लुक नहीं है. ओके, सच एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस, माय बिजनेस इज स्टिल मैन्युफैक्चरिंग द थिंग्स. ओके, सो देयरफॉर ऑल दोस पर्टिकुलर थिंग्स विल बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल इनकम्स. जैसे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस नहीं आता, वैसे फाइनेंशियल इनकम्स भी कॉस्टिंग के अंदर नहीं आता. ठीक है, ये हेड अभी लास्ट टाइम बड़ा कर रहा हूँ और इसके ना एक और चीज़ भी इंक्लूड कर रहा हूँ, दैट इज़ नथिंग बट कैपिटल गेन्स या कैपिटल लॉसेस. कैपिटल गेन्स या कैपिटल लॉसेस का मतलब क्या है? मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा. ठीक है, हर साल उसको यूज़ किया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी विल कम अंडर द हेड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स. अभी मशीन बुड्ढा हो गया. ओके, मैंने उसको बेच डाला. ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस होएगा. तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पीएनएल अकाउंट को डेबिट तो वो करता था. ओके, लेकिन जरा सोचो, ये प्रॉफिट एंड लॉस रोज नहीं होता है, ये तो कभी कभार होता है. दीज आर कॉल्ड एज कैपिटल गेन्स या कैपिटल लॉसेस. ओके, वाई कैपिटल गेन्स? क्योंकि दीज आर बिग लॉसेस या बिग गेन्स. ओके, तेरे पास एक फैक्ट्री की जमीन थी, तूने वो बेच डाली, तेरे को बहुत प्रॉफिट हुआ, इट इज कैपिटल गेन. ओके, जो रोजमर्रा गुड्स बना के बेचते हो दैट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर कॉल्ड एज कैपिटल गेन्स या कैपिटल लॉसेस, मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स बेच के होता है. ओके, बस ऐसी चीजें का मेरे रेगुलर रनिंग ऑफ द बिजनेस से बहुत ज्यादा कुछ ताल्लुक नहीं. दीज आर ओकेजनल थिंग्स. तुम लोग रोज प्लांट एंड मशीनरी नहीं बेचोगे, वरना गुड्स कैसे बनाओगे? ओके, सो देयरफॉर सच थिंग्स आर आल्सो इग्नोर्ड इन कॉस्टिंग बिकॉज दीज आर वन टाइम थिंग्स. ओके, तो याद रखना, ये जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या इनकम्स वाला हेड है, इसके ना क्या क्या आता है? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी आता है,
जो कॉस्ट अकाउंटेंट कंट्रोल नहीं कर सकता, फाइनेंशियल इनकम्स भी आता है जिसका आपके बिजनेस के साथ कुछ ताल्लुक नहीं है, लास्टली कैपिटल गेन्स और कैपिटल लॉसेस भी आता है, दीज आर वन टाइम लॉसेस ऑन फिक्स्ड एसेट्स वगैरह, ओके। और ये सारे हेड के लिए आपके कॉस्टिंग के अंदर कोई जगह नहीं है, ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर कंप्लीटली इग्नोर्ड फ्रॉम कॉस्टिंग सब्जेक्ट ओनली एज सच, ओके। लिखो जरा प्लीज, यू ऑल राइट डाउन, सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने, पूरी बुक क्या अपने पास, चलो देखो। नोट राइट, देयर आर सम एक्सपेंसेस विच a cost accountant cannot control. Example, interest, comma, income tax, etc. Full stop. There are some incomes which are not related to our business. That is, interest and dividend received, that is interest and dividend received, etc. Full stop. Lastly, likho, lastly, profit and loss on sale of fixed assets or investments are occasional losses. Full stop. All such type of expenses and incomes come under the head of financial expenses and incomes. This head is completely ignored while preparing costing books, while preparing costing books. So, क्या करते हैं, ये वाला जो डिफरेंस मैंने तुमको शुरू में तो वो बोला था, दैट पर्टिकुलर थिंग वी ऑल कैन राइट नाउ, ओके, एंड देन वी टेक स्मॉल ब्रेक, ओके। तो लिखो जरा प्लीज, गिव अ टाइटल, differences between financial accounts and cost accounts. तो तीन कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट, जैसे मैंने बनाया।
एक फाइनेंशियल अकाउंट्स बोले तो आपका नॉर्मल अकाउंट्स, ओके, कॉस्ट अकाउंट जो आप लोग मेरे साथ वो सीख रहे हो, ओके, तो अभी फर्क क्या क्या है, तो सबसे पहले विल राइट डाउन, चलो नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूट ओनली, तो यहाँ पे लिखो गवर्निंग बॉडी इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट्स कौन संभालता है, ICAI, सबको उसका फुल फॉर्म मालूम है, नहीं मालूम यू शुड कमिट सुसाइड ओनली टुडे, ICAI, आगे यहां भी लिख सकते हो ICWA, नहीं मालूम तो लिख के रखना इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तुम्हारी रेफरेंस के लिए तुमको नेक्स्ट चीज वो दे रहा हूं, लिखो गवर्निंग बॉडी अक्रॉस द वर्ल्ड, तो यहां पर कौन सा इंस्टीट्यूट आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंट्स के ना, CPA इंस्टीट्यूट, आगे अगर चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो USA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, और यहां पे आ जाता है CIMA, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स लंडन, लंडन इज UK, थर्ड इफ we graduate comma we are called as bolo ICAI se degree lega to kya bolega tere ko chartered account वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख के रखना क्योंकि यहाँ पे भी एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटेंट ही आता है जिसका शॉर्ट फॉर्म तो CA ही होता है, पगार के अंदर बहुत फर्क होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट, फोर्थ फोर्थ के ना पर्टिकुलर्स में कुछ मत लिखो, यहां पे लिख के लिख सकते हो कंपल्सरी इन इंडिया टू फॉलो फाइनेंशियल अकाउंट्स, और यहां पर ऑप्शनल in India to make costing books. अच्छा फिर से पर्टिकुलर्स में कुछ मत लिखो, बस यहां पर ही लिखो यूनिवर्सल, और इधर लिखना इंडिया हैज इट्स ओन रूल्स, सिक्स्थ यहां पे लिखना फाइनल डॉक्यूमेंट तो साल के एंड में फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर क्या बनता है, यहाँ पे तीन चीज़ें लिख के रखो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, वो फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट कॉमा बैलेंस शीट, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, और वहां पे लिखना
कॉस्ट शीट जो आप लोगों ने अभी अभी बनाया, एम टू फाइंड प्रॉफिट एंड उसी कॉलम में लिखो एंड टू नो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. Chartered Institute of Management Accounts. उधर एम में जरा लिखो कॉस्ट कंट्रोल. लास्टली एट पर्टिकुलर्स में कुछ मत लिखो, यहां पे लिखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. दूसरी तरफ लिख लेना कॉस्ट स्टैंडर्ड्स. कॉस्ट स्टैंडर्ड्स के ब्रैकेट में लिख लेना नॉट पार्ट ऑफ आर पोर्शन. आप लोग 10 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे.
चलिए सर, तो आज अपना जो फर्स्ट लेक्चर है उसका इन ऑल तीन पार्ट्स था. आई हैड टू गिव यू अ बैकग्राउंड कि फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स क्या होता है. सो दैट आई हैव डन. सेकंड, आई हैड टू एक्सप्लेन यू ऑल द बाइफर्केशंस ऑफ कॉस्ट. दैट आई हैव डन. थर्ड बिग टास्क विद अस, I have to explain you that cost sheet that you all have made, okay, and with that cost sheet some other things also. तो सुन, in this case सुन, तुम्हारा जो cost sheet जो आप लोगों ने पेज 1.1 पर जो लिखा, जैसे आप लोग अपने नॉर्मल अकाउंट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते हो, दिस इज सम वट लाइक दैट. ओनली थिंग इज इट इज क्लासिफाइड इन अ सर्टन वे, ओके. और तुम्हारा कॉस्ट शीट एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है जैसे तुम्हारा प्रोडक्ट काम करता है. एग्जाम्पल, पहले प्रोडक्ट को बनाना होगा तो पहले तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल कम, फिर प्रोडक्ट को बेचना होगा तो एंड के अंदर तुम्हारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल कम, ओके. तो ऑलमोस्ट तुम्हारा कॉस्ट शीट वैसे ही बना हुआ है, ठीक है. कॉस्ट शीट मगअप वगैरह करके मेरे को वो सब कुछ आई डोंट वॉन्ट. आई जस्ट वॉन्ट कि ये जो कॉस्ट शीट आप लोग बनाते हो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है. तो ध्यान से सुनो, आई विल टेक टाइम बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. देखो, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके पास तीन तरीके का स्टॉक हो सकता है. मेरे को बोलो कौन से तीन तरीके का. ओपनिंग क्लोजिंग मत बोलो, तीन टाइप्स का स्टॉक हो सकता है. तीन टाइप का, कौन से तीन टाइप का. एक रॉ मटेरियल हो सकता है, WIP हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है, ठीक है. तो इस कॉस्ट शीट के ना आपको वो तीनों टाइप ऑफ स्टॉक दिख जाएंगे, ठीक है. तो इन दिस पर्टिकुलर केस दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ. बराबर से सुनना. देखो, तुम्हारा जो कॉस्ट शीट है स्टार्ट्स विद, सर सबसे पहले अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो सर हर यूनिट के लिए जो खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट. एग्जाम्पल, मैं शर्ट्स बनाता हूँ, सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, डायरेक्ट मटीरियल. सर उसके बाद मेरे को वर्कर लोग को पगार देना पड़ेगा, टी शर्ट बनाओ, ओके. तो फिर कौन सा कॉस्ट आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर. सो वी स्टार्ट विद ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट फर्स्ट, ओके. तो सुनो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, अगर कभी दिया हुआ है तो ठीक है, वरना ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक दैट विल गिव यू योर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ठीक है. सो बराबर से सुनना मैं तुमको क्या बोलता हूँ. ये पर यूनिट वाला जो कॉलम आप लोगों ने नोटबुक के अंदर बनाया, थोड़ी देर के लिए वो भूल जाओ. नॉट मच इंटरेस्ट इन दैट फॉर द टाइमिंग. आई विल बी इंटरेस्टेड आफ्टर सम टाइम, नॉट राइट नाउ. तो देखो, ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल. उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर. उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसिव. और याद रखना, कॉस्ट अकाउंट्स लाइक योर फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट मतलब आपका नॉर्मल अकाउंट्स, ऑल्सो वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ अक्रूअल्स ओनली. उसका मतलब क्या होता है, सपोज मैंने वर्कर लोगों को कुछ डायरेक्ट वेजेस पे किया है और कुछ उन लोगों ने काम किया लेकिन अभी तक पे नहीं किया, ऐसी चीज़ों को तुम लोग क्या बोल देते हो, आउटस्टैंडिंग. लेकिन फिर भी बेटा इस पीरियड का खर्चा तो है, तो तुम लोग तुम्हारे FIJC या SIJC के ना क्या कर देते, सर एक्सपेंसेस पेड प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तुम लोग कुछ ऐसे कर देते थे. तो सेम थिंग, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अक्रूअल. नो, इस पीरियड का खर्चा तो है, बाद में पे कर दोगे अलग बात है, लेकिन खर्चा तो इसी पीरियड का है ना यार, ओके. तो दोस फंडा सा चल दे, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट. कई लोग इसको फॉरेन कंट्रीज के ना प्राइम कॉस्ट वर्ड नहीं यूज करते, दे सिंपली कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग एज डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है. उसके बाद यहां पर तुम्हारा नेक्स्ट कॉस्ट आ जाएगा. नेक्स्ट कॉस्ट मतलब कौन सा कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स. ऑब्वियसली जरा सोचो, पहले हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का बात कर रहे हैं, फिर हम लोग सेल्स के बारे में बात कर लेंगे और क्या, ठीक है. तो जब भी एक यूनिट बनाते हो तीन खर्चे होते हैं. तुम्हारे डायरेक्ट कॉस्ट का डेफिनेशन भी वही था, दोज आर कॉस्ट विच सैटिस्फाइज टू कंडीशंस. विच टू कंडीशंस सर, फुली प्रोपोर्शनल एंड इट इज इनकर्ड व्हेनेवर यू प्रोड्यूस. तो प्रोड्यूस करोगे तो डायरेक्ट कॉस्ट के खर्चे होंगे, तो पहले डायरेक्ट कॉस्ट लिखो. लेकिन सर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए और चीज़ें भी तो चाहिए, फैक्ट्री चाहिए सर, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, उसका जो रिलेटेड खर्चा है वो किधर आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर, ठीक. दिस कैन बी कॉल्ड एज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, मर्जी तुम्हारी. कई लोग इसके लिए कुछ नाम भी नहीं लिखते हैं, ठीक है. तो नाम लिखोगे तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, नाम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा मेरे को, ठीक है. उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस नेक्स्ट थिंग इज दैट वी एड आर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP. WIP का फुल फॉर्म वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस, बात वही होती है, ठीक है. सो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट, ओके. ये फैक्ट्री कॉस्ट को आजकल लोग नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल देते हैं, या सिंपली फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलोगे तो भी चल जाएगा, ठीक. तो अगर नाम दे रहे हो तो इसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, इसको नेट फैक्ट्री कॉस्ट.
अगर इसको नाम नहीं देने का है, खाली ही रखने का है, वो भी चलेगा. फिर इसको से फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल दोगे तो भी वो चल जाएगा, क्योंकि वैसे भी ग्रॉस वाला फिर नाम यूज ही नहीं कर रहे. सो एनीथिंग इसमें. उसके बाद तुम्हारा ऑफिस का खर्चा आ जाएगा. ओके, ऑफिस का खर्चा बोले तो एडमिन कॉस्ट, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर आ जाता है COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, कई लोग इसको ऑफिस कॉस्ट भी बोल देता है. ऑफिस कॉस्ट इसलिए क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑफिस का खर्चा भी इंक्लूड करके रख दिया, ठीक है. एक बार ये वाला चीज़ हो जाएगा, उसके बाद ऐड, क्या ऐड करेंगे? लास्ट वाला खर्चा. कौन सा लास्ट वाला खर्चा? SMB. नहीं, लेकिन इससे पहले हम लोग एक और काम कर लेते हैं. टाइम फॉर यू टू बी एडजस्टिंग लास्ट स्टॉक. वन इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ओके, दिस विल बी कॉल्ड एज COGS. COGS का फुल फॉर्म तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, बस वंस यू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, उसके बाद एड अप द एक्सपेंस दैट वी वर टॉकिंग ऑफ. कौन सा एक्सपेंस बॉस? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसके बाद क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स एक बार आ गया, उसके बाद एड प्रॉफिट, और उसके बाद अराइव एट सेल्स. तो तुम्हारे जो भी 6 हेड्स हम लोगों ने बात किया, हम लोगों ने 6 हेड्स ही बात किया ना. डायरेक्ट कॉस्ट के ना 3 हेड होता है, DM, DL, DE, और ओवरहेड्स के ना 3 हेड होता है, फैक्ट्री, एडमिन, SND. तो यहाँ पे सारा का सारा जो भी एक्सपेंस था, ऑल दोस थिंग्स हैव कम, ठीक है. सो योर दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ऑल ओवर. ओके, सो नाउ विद दिस वी ट्राई टू कंटिन्यू फर्दर. नो फोन्स इन द क्लास प्लीज फॉर एनी रीजन. ओके, सो अभी आगे सुनो. अभी यहाँ पर दिस इज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स. उसके बाद क्या एडजस्ट हो जाता है? WIP स्टॉक. उसके बाद क्या मिल जाता है? फैक्ट्री कॉस्ट. उसके बाद एडमिन आएगा. उसके बाद क्या आ जाता है? COP. उसके बाद फिनिश गुड स्टॉक एडजस्ट करो, क्या आ जाता है? COGS. उसके बाद SND. उसके बाद क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स. एट प्रॉफिट गेट सेल्स, ठीक है. एक घंटे के बाद तुम लोग जिंदगी में ये वाला कॉस्ट शीट नहीं भूलोगे, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ डज इट वर्क. ओके, ध्यान से सुनो. देखो, अभी मेरे को ये कॉस्ट शीट पढ़ा के तुम लोगों को चरट्टा वगैरह तो नहीं करवाना है. ऑल दोस थिंग्स आई डोंट डू ऑल्सो इन योर एंटायर कॉस्टिंग. वी विल नॉट इवन डू वन सिंगल फॉर्मूला. सो इफ यू आर यूज टू मगिंग, आई डोंट टीच लाइक दैट. नीदर आई ट्राई टू प्रोपोगेट दोज पर्टिकुलर थिंग्स. वी ट्राई टू लर्न बाय गुड लॉजिक, दैट इज मोर देन इनफ. सो अभी इन दिस केस नो, टोटली तुम्हारी कॉस्ट शीट के ना 3 टाइप ऑफ स्टॉक आता है. कौन सा 3 टाइप बेटा? रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स, ठीक है. तो तुम लोगों ने बचपन से शायद सुना हो, बचपन मतलब 11th स्टैंडर्ड, उससे पहले तो तुम लोग तो वो पैदा भी नहीं हुए थे. सुनो, तो इन दिस केस नो, एवरी स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट. कोई ऐसा बोल सकते हैं, नो सर, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. दैट रूल ऑब्वियसली इज ओनली एप्लीकेबल टू फिनिश गुड्स. यू ओनली ट्राई टू थिंक, इवन इन योर 11th 12th, कोई तुमको ऐसा नहीं बोल सकता था रॉ मटेरियल स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. बॉस, रॉ मटेरियल इज नॉट मेंट फॉर सेल. नो, तुमको समझ में आता है? तो उसका मार्केट प्राइस कभी हो ही नहीं सकता. WIP स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस. बेटा, तूने आधा पेन बनाया, आधे पेन का मार्केट प्राइस तो नहीं निकाल सकता ना, कौन खरीदेगा तुझसे? ओके, तूने इतना ही पेन बनाया तो कौन खरीदेगा? सो ऑल दोस थिंग्स ओनली अप्लाई टू व्हाट यार? फिनिश गुड्स. ओके, क्योंकि फिनिश गुड्स का मार्केट प्राइस हो सकता है. और अगर थोड़ा सा इंटर के अंदर आके सोच सकते हो तो ऑब्वियसली फिनिश गुड्स स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. नो, अगर मेरा प्राइस प्रोडक्ट का मेरी कॉस्ट से भी कम हो गया, मतलब मेरे को अभी अभी पता चल गया कि मेरे को लॉस होने वाला है. तुमको समझ में आता है? एक मिनट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या होता है? ऐसा कुछ कभी जिंदगी में सुना प्रिंसिपल? हाँ, तो क्या होता है फिर? सुना मतलब आगे कुछ बोलो. सुना तो सभी लोगों ने. बोलो क्या होता है? Consider all losses, do not anticipate profit. तू सोच ले जब तू books of accounts बनाएगा कि तू भिखारी बनेगा, ये मत सोच कि तू Bill Gates बनेगा. ओके, ऐसा नहीं. ओके, तो अगर you try to think, it's a common sense thing. तुम लोग closing stock credit side पे डालते हो, अगर उसका market price मेरी cost से भी कम हो गया, I will record it at market price. मतलब I am booking that loss. No. एग्जाम्पल, प्रोडक्ट का कॉस्ट 10 रुपया था, उसका मार्केट प्राइस अभी गिर के 8 रुपया हो चुका है, तो कहने से फ्यूचर के ना जब तू बेचेगा तेरा प्रोडक्ट 8 रुपये के अंदर ही बिक सकता है, तो मतलब फ्यूचर के ना 2 रुपये का लॉस होने वाला है. तो फ्यूचर के अंदर वो वाला काम मत कर, अभी अभी वो काम कर डाल. तो जब तू क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक 10 रुपये के बदले में 8 रुपये का लिखेगा, तो योर प्रॉफिट विल फॉल डाउन बाय 2 रुपीज इन दिस ईयर. नो, तुमको समझ में आता है? तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. ओके, एंटिसिपेट ऑल लॉसेस, डू नॉट प्रिडिक्ट प्रॉफिट्स. ओके,
लेकिन याद रखना वो जो है वो चीज़ किसने बोला, वो चीज़ बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट एप्लीकेबल टू कॉस्टिंग. ठीक है, तो कॉस्टिंग के अंदर एवरी स्टॉक इज ओनली वैल्यूड एट व्हाट कॉस्ट, बस बात खत्म हो गई. ठीक है, तो एवरी स्टॉक इज वैल्यूड एट व्हाट कॉस्ट. ठीक है, अभी कॉस्ट का मतलब क्या सर, कॉस्ट का तो मतलब आप ही ने बताया ना, कॉस्ट के अंदर 6 कॉस्ट आ सकता है सर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री, एडमिन एंड एसएनडी. आपको इस कॉस्ट शीट को पढ़ के यही पता चलेगा कि एवरी स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और कॉस्ट का मतलब क्या. ओके, बराबर से सुन. तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक. चलो ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ स्टॉक दैट इज द रॉ मटेरियल का स्टॉक. ठीक है, रॉ मटेरियल का स्टॉक हैज टू गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. कॉस्ट के अंदर बेटा कौन कौन से कॉस्ट आएंगे, तो एक सिंपल प्रिंसिपल सोचने का नहीं, आप लोग इसके ऊपर देख लो तो भी चलेगा. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट. वैल्यूड का मतलब क्या कि तेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, तू उसका कॉस्ट निकाल, कॉस्ट का खर्चा तू नहीं किया रहेगा. रॉ मटेरियल के लिए तुम लोग एक ही कॉस्ट का तो खर्चा करते हो, कौन सी कॉस्ट का, परचेज कॉस्ट का. ओके, सो रॉ मटेरियल स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट. बेटा कॉस्ट के अंदर ओनली विच पर्टिकुलर कॉस्ट विल कम यार, परचेज कॉस्ट. इट्स अ सिंपल थिंग, ये जो तुम लोगों ने स्टेटमेंट तो ये बनाया है, इट इज द वे हाउ योर कॉस्ट फ्लोज. ओके, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज वैल्यूड ओवर हियर, इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब जो भी उसके ऊपर है दैट विल कम. एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से सुनना, मैं कुछ नंबर्स लिख के देता हूँ. सपोज इन दिस केस ना, यहाँ पर आपके पास 100 यूनिट था ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वैल्यूड एट द रेट ऑफ 2 रुपीज. मैंने इस पीरियड के अंदर 1000 किलो और खरीदा एट द रेट ऑफ 3 रुपीज. ठीक है, मेरे पास जब ही साल खत्म हुआ मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक था 50 यूनिट का. नाउ 50 यूनिट हैज टू गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट बॉस, परचेज कॉस्ट. बस बात खत्म होगी, बोलते सर मतलब 3 रुपीज. आई से नो, आई एम ओनली ट्राइंग टू गिव यू वन प्रिंसिपल, दैट प्रिंसिपल इज वॉट दैट वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक एट परचेज कॉस्ट. बोलते सर परचेज कॉस्ट तो 3 रुपीज का है. नो, आई एम ओनली ट्राइंग टू स्टिल टेल यू ओनली वन प्रिंसिपल, एंड दैट प्रिंसिपल इज वॉट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल बी गेटिंग वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट. सर परचेज कॉस्ट तो 3 रुपए का ही है. नहीं, परचेज कॉस्ट 2 रुपया का भी है, 3 रुपए का भी है, फर्क बस एक ही है, दिस इज परचेज कॉस्ट ऑफ लास्ट ईयर. आगे बोलो, दिस इज परचेज कॉस्ट ऑफ करंट ईयर. Whether it will get valued at 2 or 3, that depends upon your method. FIFO, LIFO, up and so on, all those phaltu methods, okay? But whether it is 2 or whether it is 3, or it is average of both those, I'm not concerned with that. Sorry, I'm not concerned with that. I'm only concerned with one thing. What does 2 or 3 represent here? They represent which particular cost? Purchase cost. So therefore, raw material stock is always valued at which cost here? Purchase cost. So, sir, matlab bata to do, idhar kya number aayega? Aap log pehle mere ko bolo, which method you would like to follow? Koi bolta hai, sir, FIFO method. Jo dunya mein pehle aayega, wohi dunya se pehle jayega. Theek hai? So then, in that particular case, closing stock will get valued at 3 rupees. Tumko 3 rupees samajh mein aa gaya? Are 3 rupees samajh mein aa gaya? जो फीफो मेथड के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक पहले कंज्यूम हो गया तो ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक विल बी आउट ऑफ करंट ईयर. नो, देयरफॉर विल गेट वैल्यूड एट 3 रुपीज. को बोलता है सर लीफो मेथड फॉलो करते तो, बोलो 2 रुपीज. अगर वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करते तो तुमको पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ता, उसके हिसाब से वैल्यू. बट वेदर इट इज 2 और 3 और समथिंग एल्स, ऑल दीज पर्टिकुलर फिगर्स आर नथिंग बट विच पर्टिकुलर कॉस्ट यार, परचेज कॉस्ट. So your raw material stock will always get valued at cost. Cost का मतलब which cost? Purchase cost. ठीक है, चलो सुनो. तो ये हो गया तुम्हारा first type of stock. ठीक है, अभी second stock में नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ. ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा WIP stock. I give you same principle always. That is, every stock is valued at cost. Cost का मतलब इसके ऊपर देख ले बस. Okay, जो भी इसके ऊपर cost है, all those things will come. लेकिन obviously WIP के ऊपर एक कॉस्ट नहीं है, दो कॉस्ट नहीं है, तीन कॉस्ट नहीं है, चार कॉस्ट है. मेरे को बोलो WIP के ऊपर कौन कौन सी कॉस्ट लिखी, नाम बोलते रहो. DM, आगे
DL, DE and factory overhead. So therefore in this particular case, WIP stock is valued at cost. Cost ka matlab DM aage, DL aage, DE aage, factory overhead. Ye cheeze yaar sochte raho varna common sense hai. Example ke taur pe zara socho, main ye wala pens banata hai. Maine is period ke end tak ye wala pen itna hi banaya. Matlab wo WIP stock raha. Okay, jo complete nahi hoga, that is WIP, no? Abhi, now this particular aadha adhura pen has to get valued at cost. Valued at cost ka matlab kya hai? Tu nikal le itna pen banane ke liye tune kya kharcha kiya hai? Kya kharcha kiya rahega? Kuch aur kharcha kiya ho ya na kiya ho, material ka kharcha to kiya rahega. Kya bolte sir, material ka bhi kharcha nahi kiya to wo tere ko dikhai kaise deta hai? Okay, first thing that is put inside the product is material, no? But obviously itna pen banane ke liye sirf material nahi gaya, worker logo ne bhi us pen ko to itna to produce kiya na yaar. Ye cheeze yahan sochte raho warna cost sheet tumko directly bata hi dega. Every stock is valued at cost. Cost ka matlab iske upar dekh lo. To iske upar kaun se cost aa jayenge? DM, DE and factory overheads. Theek hai, abhi aage. Finished goods stock is valued at cost. Apni cost sheet mein zara meko dekh ke batao. Cost ke andar beta ji 5 cost aayega. Meko 5 cost ka naam batao. Dekho finished goods ke upar kaun kaun sa cost likha hua hai. Naam bolte raho na beta. Direct material, direct labor, direct expenses. Aage factory overheads. Ek aur bhi bolo. And admin overheads. Okay, so therefore that particular thing. So 5 expenses will be going inside that. Okay. So ye ho gaya tumhara finished goods ka bhi valuation. So finished goods stock idhar tha. It has to get valued at cost. Cost ka matlab iske upar dikh lene ka. Jo bhi kharche iske upar, that will enter your stock as such. Thik? तो अभी ये वाले प्रिंसिपल्स याद रखना. अभी इन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ एक और चीज भी जुड़ा हुआ है. ओके, और वो क्या है बराबर से देखना. मैं तुम्हारी कॉस्ट शीट को ना कई पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज कर रहा हूं. ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है. उसके बाद ये जो है, एक सेकंड, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये थर्ड पार्ट है. अभी ये तीन पार्ट्स क्यों यार. ओके, अभी ये लाइन यू शुड बी एबल टू कंप्लीट फॉर मी. बराबर से सुनना मैं क्या बोलता है. डायरेक्ट मटेरियल इज नॉट ओनली इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स बट इज ऑल्सो इनकर्ड फॉर मेकिंग. बोलो, अभी अभी बोला. डायरेक्ट मटेरियल इज नॉट ओनली इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, इट इज ऑल्सो इनकर्ड फॉर, एक और चीज बोलो अभी, वर्क इन प्रोग्रेस. अभी अभी तो बोला इस आधे अधूरे पेन के अंदर कुछ और हो या ना हो, लेकिन क्या होएगा? मटेरियल. मटेरियल तो होएगा ही होएगा. ये चीजें यहां सोचते रहो वरना एक कॉमन सेंस चीज है. डायरेक्ट मटेरियल इज रिटन अबव WIP, नो? मतलब इट इज ऑल्सो इनकर्ड फॉर WIP. ओके, सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस ये कॉस्ट शीट तुमको क्या बोलता है, जो भी ये वाले खर्चे हैं, all these expenses are written above WIP, therefore they are also incurred for WIP. So ye sare ke sare kharche are incurred for doing two things. Which two things are? They are incurred for producing finished goods plus they are incurred for producing, bolo mere ko, work in progress. Okay, varna agar aise yaad nahi rehta, dekho ek common sense cheez hai. Tum log yahan tak basically factory ke kharche likh rahe ho. बेटा फैक्ट्री के अंदर दो चीजें बनती हैं. क्या दो चीजें? या फिनिश गुड, या प्रोडक्ट पूरा बनेगा. आगे बोलो. या प्रोडक्ट पूरा नहीं बनेगा. पूरा नहीं बनेगा मतलब क्या होएगा? WIP. सो इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल दीज एक्सपेंसेस दैट यू राइट टिल नाउ, ओके, आर नथिंग बट एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स प्लस WIP. लेकिन अब जरा सोच, कुछ स्ट्रेंज हुआ. स्ट्रेंज क्या हुआ सर? मैंने यहां आके ना जो भी WIP के ऊपर खर्चा किया वो सारा का सारा सर निकाल दिया. तो नीचे 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 इस ब्रैकेट तक कौन सा खर्चा फ्लो हुआ कोई बोलेगा? यहां तक तुम लोग खर्चे लिख रहे थे फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू थिंग्स. विच टू थिंग्स? फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड WIP. लेकिन ये दोनों स्टेप्स के अंदर तूने क्या कर लिया सर? जो भी खर्चा WIP के ऊपर किया सर वो निकाल डाला. तो मेरे को बोलो नीचे सिर्फ कौन सा खर्चा फ्लो हुआ? Which is only incurred for making, बोलो जोर से, finished goods. तो ये जो तुम्हारा second bracket है, only shows those expenses which are incurred for making finished goods. कुछ numbers डालता हूँ, that'll be better. In this case, no. For a small example, so
मेरे को कोई बोलता है कि सर आपका मटेरियल का खर्चा कितना हुआ, तो मैंने उसको ऐसा बोला मेरा 1 लाख रुपए का मटेरियल लगा फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, मेरा 10,000 रुपया का मटेरियल लगा फॉर मेकिंग WIP। तो अगर कोई मेरे को ऐसा बोलता है सर मतलब इस साल का आपका मटेरियल कॉस्ट कितना था, तो मैं बोलूँगा उसको 1,10,000। ठीक है, मैंने वर्कर लोगों को 50,000 रुपया पे किया फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, मैंने उनको 5,000 रुपया पे किया फॉर मेकिंग WIP। अगर कोई मेरे को ऐसा बोलता है, एक सेकंड, एक लाइन ऊपर हो गया, हाँ, तो अगर कोई मेरे को ऐसा बोलता है इस साल तुम्हारा डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना हुआ, तो मैं उस बंदे को क्या आंसर दूंगा, 50,000 के 55,000, 55,000 आई इनका लेबर कॉस्ट फॉर, आई इनकर लेबर कॉस्ट फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एज वेल एज आई इनकर द लेबर कॉस्ट फॉर मेकिंग WIP। तो अपना इस पीरियड का लेबर कॉस्ट का खर्चा कितने रुपीज का था, 55,000। आई इनकर मटीरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड ऑल्सो फॉर WIP। ठीक है, सपोज इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं था, तो मेरा प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1,50,000 प्लस 15,000। ठीक है, सपोज मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स 1 लाख रुपए का लगा फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, ओके, सपोज मेरा यहाँ पे 5,000 रुपए का और लगा फॉर मेकिंग WIP। ठीक है, तो मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितने रुपीज का आ जाएगा, 2,50,000 प्लस 20,000। ठीक है, अब बराबर से बोलना, मेरा पोपट नहीं करना, सुनो मेरी बात, दिस इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 2,50,000 प्लस 20,000। सपोज ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP था ही नहीं, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP वॉज नॉट देयर, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस तो करना पड़ेगा। WIP स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, मेरे को इधर एक नंबर बताओ तुम लोग, WIP स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, एक नंबर बताओ, मैं इधर क्या नंबर लिखूं, बेटा तूने WIP के ऊपर कितना खर्चा किया है, 20,000। सो देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 20,000। अभी कॉमन सेंस है मेरे को जरा बोलो, यहां तक ओनली विच पर्टिकुलर कॉस्ट विल फ्लो यार, 2,50,000। मेरे को बोलो 2,50,000 इज विच पर्टिकुलर कॉस्ट, कॉस्ट दैट इज ओनली इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, जो भी WIP के ऊपर खर्चा किया वो तो ऊपर अटक गया ना तुम्हारा, सबको समझ में आता है। सो देयरफॉर दिस इज योर सेकंड ब्रैकेट, इन दिस सेकंड ब्रैकेट यू ओनली राइट डाउन द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर, बोलो मेरे को जोर से, मेकिंग फिनिश गुड्स, विच आर इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, WIP का खर्चा, इज इट ओके टिल नाउ? अभी आगे सुनो, मैंने उसके बाद एडमिन का खर्चा सपोज 50,000 रुपए का और किया, ठीक है, सो देयरफॉर मेरा COP कितने रुपीज का आ जाएगा, 3 लाख। ठीक है, अभी बराबर से देखना, 3 लाख रुपीज का खर्चा करके कुछ ना कुछ फिनिश गुड्स ही बना है, और तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सपोज मैंने इस पीरियड के अंदर सोच समझ के बोलना 1,000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है कितने रुपीज का आ गया, 3 लाख। ठीक है, ठीक है, सपोज मेरे पास 50 यूनिट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के अंदर था, ठीक है, सपोज साल के एंड में मेरे पास 100 यूनिट अभी भी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है, तो एक मिनट, मेरे पास शुरू में कितना था, 50, मैंने इस पीरियड के अंदर कितना बनाया, 1,000, टोटल कितना हो गया, 1,050, एंड तक अभी भी 100 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मेरे को बोलो बाकी 950 के साथ मैंने क्या किया रहेगा, सर मैंने बेच दिया रहेगा, इसीलिए मेरे को जरा बोलो, गला फाड़ के बोलो मेरे को कि दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉस्ट ऑफ, जोर से बोलो, गुड्स सोल्ड, सोल्ड, तो कैन वी से दिस पर्टिकुलर फिगर विल बी शोइंग द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स विच आर सोल्ड नो इन दिस पर्टिकुलर पीरियड, ओके, एंड फ्रॉम हियर योर लास्ट ब्रैकेट स्टार्ट्स, ओके, एंड यहां पे एवरीथिंग विल ऑलवेज गेट इनकर्ड फॉर क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स। जरा सोचो SND का खर्चा कब होता है, व्हेनेवर यू सेल, सर प्रॉफिट कब मिलता है, व्हेनेवर यू सेल, सेल्स कब होता है, व्हेनेवर यू विल सेल, ओके, सो देयरफॉर दिस इज योर लास्ट ब्रैकेट एंड दिस पर्टिकुलर लास्ट ब्रैकेट विल ओनली शो द थिंग्स विच हैव हैपेंड फॉर क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स। तुम्हारा अब ये वाला जो कॉस्ट शीट है ये कंप्लीट है, और अब अगर वो सोचोगे तो दिस थिंग विल मेक एम्पल सेंस फॉर यू। जब तुम लोगों ने कॉस्ट शीट स्टार्ट किया, तुम लोग खर्चे लिख रहे थे जो इस साल हुए, वो वाले खर्चे हुए थे दो चीजें बनाने के लिए, कौन सी दो चीजें, फिनिश गुड्स एंड WIP। बीच में तुम लोगों ने किस चीज को हकार डाला, WIP, तो खर्चा बच गया ओनली फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स। जो गुड्स नहीं बिके, जो गुड्स नहीं बिके उसका कॉस्ट यहां आके तुम लोगों ने निकाल डाला,
तो उसके नीचे सिर्फ कौन सा खर्चा फ्लो हुआ, विच इज इनकर्ड फॉर गुड्स दैट यू विल सेल. सबको समझ में आता है? सो देयरफॉर इन एंड तुम्हारा जो कॉस्ट शीट है उसका तीन पार्ट्स होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड WIP. उसके बाद यू राइट डाउन द कॉस्ट दैट इज इनकर्ड ओनली फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड देन यू राइट डाउन द कॉस्ट दैट इज ओनली इनकर्ड फॉर सेलिंग योर गुड्स. ओके, तुम लोग ने जो कॉस्ट शीट बनाया है वहां पर ये वाली तीन ब्रैकेट टेक्स्ट बुक के अंदर मार्क करके रखो. तो तुम लोगों ने जो कॉस्ट शीट बनाया है कुछ ऐसा है वो, तो यहां पर एक ब्रैकेट मार्क करो यहां से लेके यहां तक और उसके राइट हैंड साइड पे लिख के रखो देखो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP. नेक्स्ट यहां से लेके नेट फैक्ट्री कॉस्ट से लेके COP तक लिखो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स और उसके बाद COGS टिल एंड. देखो क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स. चलो सुनो, देखो अभी ये जो तुम्हारा कॉस्ट शीट था ना, दिस वॉज इंडियन कॉस्ट शीट. ओके, आई डोल्ड यू इंडिया का कॉस्ट शीट और फॉरेन कंट्रीज का कॉस्ट शीट सेम नहीं होता. अभी फॉरेन कंट्रीज के ना कुछ बदल जाता है. अभी क्या बदलता है उसके लिए आई एम टेलिंग यू वन लाइन एंड यू टेल मी द चेंज. मोस्टली यू विल बी एबल टू डू दैट. अगर तुम लोग इस वक्त लंदन में बैठा होता, ओके, एक तो वहां पे बहुत ठंड है, ओके, तुम लोग स्वेटर पहन के तो वो बैठा रहता, उसके बाद भी ठंड लगती. सुनो, तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर लंदन में बैठा होता तो जो लंदन में तुमको पढ़ा रहा होता उसकी लैंग्वेज के अंदर वो बंदा तुमको एक चीज बोलता, इन देयर कंट्री एडमिन ओवरहेड्स इज डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी सोल्ड. वो बंदा ऐसा एक लाइन मारता. मेरे को बोलो अगर वो लाइन अभी मैंने मार दिया तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज आएगा? एडमिन इज डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी सोल्ड. मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज आएगा? बोलो, जो एडमिन ओवरहेड्स है वो इधर नहीं रहेगा, वो यहां से निकल के किसके साथ चला जाएगा? एडमिन ओवरहेड्स. इसमें तुमको बीच में एक लाइन बोला था, इन इंडिया ओवरहेड्स इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, फैक्ट्री, एडमिन, S&D, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. इन फॉरेन कंट्रीज इट्स ओनली देयर इन थ्री पार्ट्स, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के ना एडमिन और S&D का हेड इकट्ठा कर दिया जाता है एंड एडमिन इज ब्रॉट डाउन ओवर हियर. ओके, तो सुनो, तो दिस इज योर न्यू कॉस्ट शीट विच यू आर अबाउट टू कॉपी. ठीक है, बट वेन यू आर कॉपिंग नो, मेरे को एक चीज जरा सोच समझ के बोलना. ठीक है, तुमको अभी चेंज तो समझ में आ गया, मेरे को जरा बोलो वैल्यूएशन के अंदर विल रॉ मटेरियल स्टॉक का वैल्यूएशन अंडरगो अ चेंज? रॉ मटेरियल स्टॉक विल स्टिल गेट वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट. मेरे को बोलो विल WIP स्टॉक चेंज? सोच समझ के मेरे को जरा बोलना, एडमिन हैज गॉन डाउन विद S&D, विल योर WIP स्टॉक चेंज? नो. विल योर फिनिश गुड स्टॉक चेंज? यस. फिनिश गुड स्टॉक के अंदर आज मेरे को बोलो पांच में से कौन सा खर्चा नहीं आएगा? एडमिन, क्योंकि वो तो तुम्हारे फिनिश गुड स्टॉक के नीचे. तुमको समझ में आता है? सो देयरफॉर ये वाला जो तुम्हारा फिनिश गुड्स है, ओके, अभी तुम्हारा एडमिन जो है वो इसके ऊपर नहीं रहा, वो किधर चला गया है? नीचे. तो मतलब फिनिश गुड स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट के ना आज सिर्फ कितने खर्चे आएंगे? चार. सो देयरफॉर DM, DE एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो तुम लोग पेज नंबर 1.2 पे जाओ.
सो जब तुम लोग ये वाला कॉस्ट शीट बना रहा है एक सेकेंड ना एक सेकेंड तो एज कम्पेयर टू योर पेज नंबर 1.1 तुम्हारे पेज नंबर 1.2 के अंदर जो फर्क होएगा मैं एक बार कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं उधर ही चेंज करूँगा सुन तो ऑब्वियसली एट दैट पर्टिकुलर टाइम यहाँ से मेरे को एडमिन निकालना पड़ेगा यहाँ से निकाल के बेटा जो एडमिन है वो किधर चला जाएगा एस एन डी के साथ ठीक है तो सुनो मेरी बात इन दिस केस नो तो एस एन डी के साथ मैं यहाँ पे चलो लिख भी देता हूँ एड एडमिन ओवर है ठीक है तुम्हारा वो वाला काम तो चलो हो गया बराबर से सुनो तो ये चीज यहां से निकल गई ओके यहां से निकल गई तो कैन वी से अगर ये यहां से निकल गई अभी ये और ये टर्म तो सेम ही हो जाएगा लेकिन बस अभी ना ये टर्म को तुम लोग ऑफिस कॉस्ट नहीं बोलना क्योंकि ऑफिस कॉस्ट तब बोलता था जब उसके अंदर ऑफिस का खर्चा भी जाता था अभी ऑफिस का खर्चा तो नहीं जाएगा ठीक है तो अभी आप उसको ऑफिस कॉस्ट नहीं बोलना तो आप लोग उसको दो चीजें बोल सकते हो नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हो या फिर और क्या बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है एंड ऑब्वियसली नाउ दिस पर्टिकुलर पार्ट एज सच विल नॉट बी कमिंग ऑल्सो ओके दिस विल बी योर न्यू कॉस्ट शीट दैट वी आर अबाउट टू बी हैविंग यू आर अबाउट टू बी राइटिंग ये दो लाइन मैंने ब्लैंक छोड़ा क्योंकि मैंने रब किया तो तुम लोग वो वाला चीज ब्लैंक नहीं छोड़ना ओके तुम लोग स्टार्ट करो ये वाली कॉस्ट शीट खत्म करो चलो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं पेज नंबर 1.2 स्टार्टेड ऑफ मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा
चलो सो तुम लोगों ने दो कॉस्ट शीट्स कंप्लीट कर दिया, ठीक है. सो योर दिस पार्ट इज ऑल्सो डन. ये अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, मेरे को इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है. तुम्हारी बुक्स के अंदर भी है अभी, ठीक है. दिस इज ऑल्सो गॉन. तुमको अभी बाइफर्केशन भी आ चुका है, ये भी डिलीट कर देता हूँ. वी ऑल हैव डन दिस पार्ट, सो दिस इज ऑल्सो गॉन. अच्छा, तो तुम लोगों को मैंने कॉस्ट शीट एक्सप्लेन कर दिया है. सो माई दैट जॉब इज ऑल्सो ओवर, ठीक है. तो अभी तक बोर्ड के ऊपर दो चीज़ें हैं, एक कॉस्ट शीट इन इंडिया, एक कॉस्ट शीट आउटसाइड इंडिया, ठीक. लेकिन अभी एक लास्ट चीज़ जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड से किया हुआ है, सर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट. क्योंकि कई लोग ऐसा सोच लेते हैं, सर आपका मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट और ये जो कॉस्ट शीट है सर वो सेम ही है, आप लोग बस क्या करते हो वहाँ पे अकाउंट फॉर्म में होता है, यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर है, सर सब कुछ तो सेम ही है. देख लेते हैं, अगर कुछ फ़र्क है अपने को पता चल जाएगा. एक चीज़ याद रखना, कॉस्टिंग इन इंडिया होता है, कॉस्टिंग आउटसाइड इंडिया होता है. मेरे को कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं पूछना, सर अभी आप मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट भी दो बार वो बनवाओगे, वन इन इंडिया वन आउटसाइड इंडिया. मैंने इसलिए तुमको लिखवाया, फाइनेंशियल अकाउंट्स इज यूनिवर्सल, तुम लोग जिधर भी जाओगे तो वो सेम ही रहता है, ठीक है. तो ऐसा फालतू क्वेश्चन और किसी बंदे को नहीं पूछना. सुनो, तो आई एम ट्राइंग टू मेक मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है. तो अगर कुछ भी फर्क है, आई वुड लाइक टू फाइंड आउट कि कॉस्ट शीट और इन चीज़ों के अंदर क्या फर्क होता है. दिस इज समथिंग जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड से लेकर अभी तक किया हुआ है, ठीक है. अपना आज तक कोई भी क्वेश्चन याद कर लो जो आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाया. सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा, विच विल बी स्टार्टिंग विद ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ठीक है. एक बार वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है. सो दिस नेट फिगर विल कम आउट से. उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टू डायरेक्ट लेबर, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद यहाँ पे लास्टली फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी कमिंग, ठीक है. जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर आ गए, ठीक है. क्रेडिट साइड पर एक बैलेंसिंग फिगर आता था, कौन सा बैलेंसिंग फिगर बॉस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर, बचपन से कई लोग इसको फैक्ट्री कॉस्ट बोल देते थे, कई लोग को प्रोफेसर बोल देते थे, उसको COP बोल दो, कई लोग एक तीसरा नाम भी इन्वेंट करके रखा हुआ था, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जो भी कर लो सब चीज़ों का नाम वही है, ठीक. ये तुम्हारा चीज़ हो गया, तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इधर आकर खत्म हो जाता है, ठीक है. अभी तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट हो जाता है. तो ट्रेडिंग अकाउंट ऑब्वियसली विल बी स्टार्टिंग विद वॉट एवर यू ट्रेड फिनिश गुड्स, ओके. उसके बाद यहाँ पर ऊपर से ये वाली फिगर इधर आ जाती है अभी, ओके. सो देयरफॉर आई एम राइटिंग ओवर हियर टू फैक्ट्री कॉस्ट, ओके. क्रेडिट साइड पे ऑब्वियसली क्या आ जाता है, सेल्स. क्रेडिट साइड पे ऑब्वियसली क्या आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. डेबिट साइड पे ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है. सो देयरफॉर ये आ गया इधर ग्रॉस प्रॉफिट, थिंग्स विल एंड ओवर हियर, ठीक है. लास्टली तुम्हारा पीएनएल अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा. पीएनएल अकाउंट मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस बाय ग्रॉस प्रॉफिट. डेबिट साइड पे तुम्हारा एडमिन एक्सपेंसेस आ जाएगा, डेबिट साइड पे तुम्हारा S&D आ जाएगा. कोई भी और एक्सपेंस अगर ऊपर क्लासिफाई नहीं हुआ तो किधर चला जाएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. कोई भी इनकम अगर ऊपर नहीं गया तो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल इनकम. दिस विल बी नथिंग बट योर नेट प्रॉफिट, ठीक है. चलो पहले ना क्या करता हूँ, तुम लोग तुम्हारी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट कॉस्ट शीट पर ही रहो ना, पेज नंबर 1.1 पे. सुनो, अभी मेरे को क्या जानने का है यार, कॉस्ट शीट से भी एक प्रॉफिट आएगा और यहां से भी एक प्रॉफिट आएगा. मेरे को जानने का है, विल दोस प्रॉफिट्स बी सेम और व्हाट. मेरे को जरा बोलो, क्या वो और ये सेम प्रॉफिट दिखाएगा, नहीं. मेरे को सबसे पहले सबसे चिंदी रीजंस बोलो क्यों. सर इधर आपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और इनकम ज्यादा है सर, उधर तो सर वो वाली चीजें आती नहीं है, तो चलो उसकी वजह से तुम्हारा प्रॉफिट अलग हो जाओ, वो एक चिंदी रीजन है, ठीक है, भूल जाओ उसको, वो तो एक फर्क चलो है ही है, ओके. लेकिन उसके अलावा इज देयर सम डिफरेंस बिटवीन योर कॉस्ट शीट ऑन पेज नंबर 1.1 एंड दिस पर्टिकुलर अकाउंट. तो अगर मेरे को वो वाले फर्क निकालने हैं तो मैं तुम लोगों से बस एक ही काम करवाता हूँ, लेट मी टीच यू हाउ टू वैल्यू स्टॉक वंस मोर बट बेस्ड अपॉन दीज अकाउंट्स नाउ, ठीक है. तो अब जरा सोचो, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ये तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड से किया हुआ, ये तुम लोगों को मुझसे अच्छे तरीके से वो आना चाहिए, ओके. तो सुनो मेरी बात, देखो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट. सर कॉस्ट का मतलब आप ही ने बोला, इसके ऊपर देख लो, तो चलो ठीक है. तो रॉ मटेरियल स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट विच पर्टिकुलर कॉस्ट, परचेज कॉस्ट. मेरे को जरा बोलो, क्या तुम्हारा कंक्लूजन पेज नंबर 1.1 से भी वही था. तुम लोगों ने लिखा नहीं था लेकिन वही था, यस. ब्रिलियंट, ठीक है. आगे
आगे अब जरा सोचो सर, डब्ल्यू आई पी स्टॉक इधर है, डब्ल्यू आई पी स्टॉक इज ऑल्सो वैल्यूड एट कॉस्ट, बट एक छोटा सा चेंज बेटा, कॉस्ट शीट जो होता है इट्स अ स्टेटमेंट, तो वहां पे मैं ऐसा बोल सकता था एवरी स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब उसके ऊपर देख लो, मैं अभी तुमको ऐसा नहीं बोल सकता डब्ल्यू आई पी स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब इसके ऊपर कुछ दिखेगा नहीं तुमको, ओके तो सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वट एवर इज देयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल फ्लो ऑन द राइट हैंड साइड, नो, सो देयरफॉर डब्ल्यू आई पी स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, ओके कॉस्ट का मतलब डेबिट साइड पे देख लो, मेरे को बोलो डेबिट साइड पे अभी तक कितने खर्चे लिखे हुए हैं, जोर से बोलो, डीएम डीएल डीई और फैक्ट्री और तो कुछ नहीं लिखा अभी तक, ओके तो मेरे को जरा बोलो क्या तुम्हारी कॉस्ट शीट ऑन पेज नंबर 1.1 से भी वही कंक्लूजन था, यस, तो मतलब नाउ ऑल्सो डब्ल्यू आई पी स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर चार कॉस्ट आएंगे, कौन से चार कॉस्ट, डीएम डीएल डीई एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है अच्छा, लेकिन अब भी कुछ बदल जाता है, बराबर से देखना, देखो यहां तक ये चारों खर्चे आई हैव इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यू आई पी, इसके बाद मैं इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऐड करता हूं, बेटा वहां पर जो ऐड कर रहा है यहां पे सेम साइड पे लिखा हुआ है ना, मतलब उसका मतलब ऐड ही हो जाता है ना, उसके बाद ये क्रेडिट साइड पे लिखा है मतलब लेस हो जाता है, तो अगर तुम लोग सोचोगे तो दिस पर्टिकुलर फिगर इन योर कॉस्ट शीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट नो, तो ये वाला फिगर अभी तक तो वही होएगा, तुमको समझ में आता क्या बोलता है, तो अभी तक ये जो तुम्हारा अकाउंट है, ये जो तुम्हारा अकाउंट है इज एक्चुअली नथिंग बट कॉस्ट शीट टिल हियर ओनली नो, बेटा डीएम डीएल डीई और फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी ऐड किया, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी दूसरी साइड पे डाल दिया, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है यार, ओके तो यहां तक जो तुम्हारा कॉस्ट शीट है पूरा का पूरा सेम है, ठीक है तो यहां तक तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है तो फिर फर्क किधर आ गया, ओके देख लेते हैं, तो कैन वी से जरा सोचो यहां तक यू आर राइटिंग द एक्सपेंसेस फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स प्लस डब्ल्यू आई पी एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये वाला जो फिगर हुआ कैन वी से दिस ओनली शोज द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स विच आर फुल्ली प्रोड्यूस्ड, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी तो इधर से लेस कर दिया ना मैंने, ठीक है तो एक मिनट, वैसे भी अगर सोचोगे तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ इफ यू विल थिंक प्रॉपरली, मेरे को बोलो इस अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोला जाता है, दिस इज विच अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मेरे को बोलो वट डू यू ट्रेड, रॉ मटेरियल डब्ल्यू आई पी के फिनिश गुड्स, तो ऑब्वियसली यहां पर से वही वाला खर्चा रहेगा इन विच यू ट्रेड, ओके तो ये वाला जो खर्चा है कैन यू से दिस खर्चा इज ओनली इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, ठीक है अब जरा देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक सॉलिड काम आता है, सर इतने यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स इस पीरियड के अंदर बनाए हैं, सर इतने शुरू में थे सर, इतने एंड के अंदर भी पड़े हुए हैं सर, ओके तो मेरे को जरा बोलो इफ आई विल डू दिस प्लस दिस माइनस दिस, मेरे को बोलो दैट विल गिव मी व्हाट, इट विल गिव मी द कॉस्ट ऑफ, आगे बोलो दोज गुड्स विच आर सोल्ड नो एज सच, क्योंकि जो भी गुड्स नहीं बिके उसका तो कॉस्ट क्रेडिट साइड पर आ गया, तुमको समझ में आता है, ठीक है तो अब एक फर्क अभी अभी देख लेना सर, फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, सर कॉस्ट का मतलब आप ही ने बोला डेबिट साइड पे देख लो, तो डेबिट साइड पे कौन सा कॉस्ट लिखा है, फैक्ट्री कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर टोटली चार खर्चे आते हैं, चार खर्चों का नाम बोलो, डीएम डीएल डीई एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, मेरे को बोलो पेज नंबर 1.1 पर जब ये फिनिश गुड स्टॉक वैल्यू हुआ था तभी फिनिश गुड स्टॉक के अंदर कितने खर्चे आते थे, बोलो पांच, कौन से पांच, डीएम डीएल डीई फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एडमिन, ओके लेकिन यहां पर कितने खर्चे आएंगे, चार, चार खर्चों का नाम बोलो, डीएम डीएल डीई एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, सबको समझ में आ गया, ओके और अगर सोचोगे तो अभी यही वाला फर्क आगे जाके किधर ना किधर और भी रिफ्लेक्ट करेगा, ओके बराबर से देखना, देखो अगर मेरे को ये चीज और ये चीज नहीं लिखना, मैं तीनों को कैंसिल करके COGS भी तो लिख सकता हूँ, अभी अभी तुम लोगों ने तो वो बोला था बेटा दिस इज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स दैट यू प्रोड्यूस इन दिस ईयर, इतने यूनिट शुरू में थे इतने एंड में वो पड़े हुए हैं, कहीं से बाकी बेच दिया रहेगा ना, सो देयरफॉर अगर मेरे को ये ग्रीन वाला सब कुछ डिलीट करने का है तो मैं यहाँ पे इसके बदले में यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, टू COGS, बस अब जरा सोचो कैन वी से सेल्स कम बिकॉज यू सेल द गुड्स, बराबर ना, अच्छा कैन यू से दिस इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ गुड्स विच यू ऑल हैव सोल्ड, कैन यू से ग्रॉस प्रॉफिट ऑल्सो कम्स बिकॉज यू सेल समथिंग, बेटा दिस ग्रॉस प्रॉफिट ओनली विल कम इन योर पी एन एल अकाउंट फर्स्ट
an admin and S&D are written off against gross profit. But profit is result of quantity sold, no? So, matlab admin and S&D will get dependent upon which quantity? Quantity sold. Apna page number 1.1 wala teen brackets check karo. Meko zara bolo, S&D in any case was always incurred for which quantity? Quantity sold. Lekin admin was incurred. Admin dekho kaun si bracket mein aata tha? First, second ke third? First, second ke third? Second. Matlab it was incurred for which quantity? Quantity produced. Samajh mein aata hai? तो जरा याद रखना यहां पर एडमिन एंड एसएनडी इज चार्ज्ड अगेंस्ट ग्रॉस प्रॉफिट मतलब दीज एक्सपेंसेस आर डिपेंडेंट अपॉन व्हिच क्वांटिटी आर क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स मेरे को जरा बोलो ऐसा ही केस किधर होता था आउटसाइड इंडिया तुमको समझ में आता है जब ये आउटसाइड इंडिया वाला कॉस्ट शीट किया था एक दिन आउटसाइड इंडिया पेज नंबर कौन सा है 1.2 उधर आओ तुम लोग मेरे को बोलो वहां पर एडमिन जो है वो फर्स्ट ब्रैकेट में है सेकंड के अंदर है कि थर्ड के अंदर है थर्ड मतलब इट इज डिपेंडेंट अपॉन विच क्वांटिटी बॉस क्वांटिटी सोल्ड ओके तो इसके लिए याद रखना कॉस्टिंग इन इंडिया आउटसाइड इंडिया अलग है पेज नंबर 1.1 1.2 तुमको समझा कॉस्टिंग इन इंडिया और फाइनेंशियल अकाउंट्स भी अलग है फाइनेंशियल अकाउंट मतलब जो अभी अभी किया बेटा वो जो फर्क है वो एडमिन का ही फर्क है और उसकी वजह से फिनिश गुड्स का स्टॉक भी बदल गया ना लेकिन कौन सा दो चीजें सेम हुआ वो मेरे को बोलो एक मिनट भुंदू लोग सुनो कॉस्टिंग इन इंडिया आउटसाइड इंडिया अलग अलग है इसलिए दो अलग अलग कॉस्ट शीट बनाया ओके मेरे को बोलो कॉस्टिंग इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट भी अलग अलग है अलग अलग है ना फिनिश गुड्स जब भी कॉस्टिंग इन इंडिया के अंदर वैल्यू होता है उसके अंदर पांच कॉस्ट जाता है बोलो कौन सा पांच कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एडमिन ओवरहेड्स लेकिन जब भी तुम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स का बात करता है तो उसके अंदर सिर्फ चार खर्चा जाता है कौन सा चार खर्चा डीएमडीएलडीई एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स ओके लेकिन मैं तुमको क्या बोलता हूं दो चीजें अभी भी सेम है कौन सी दो चीजें कॉस्टिंग आउटसाइड इंडिया एंड मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट क्योंकि दोनों जगह पर एडमिन विल गेट डिपेंडेंट अपॉन विच क्वांटिटी क्वांटिटी सोल्ड समझा अपार्ट फ्रॉम दैट अब जरा सोचो तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा पेज 1.2 पे आओ और वो वाला कॉस्ट शीट देखिए मेरे को जरा बोलो फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट कॉस्ट के अंदर चार खर्चे आएंगे चार खर्चों का नाम बोलो डीएम डीएल डीई एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स मिला अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर भी फिनिश गुड स्टॉक जरा याद करो वॉज कमिंग ओवर हियर नो फिनिश गुड स्टॉक वॉज गेटिंग वैल्यूड एट कॉस्ट और कॉस्ट के अंदर कितने खर्चे आ रहे थे चार कौन से चार डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड इसलिए मैंने 1.2 पर जरा देखो एक कॉमन टाइटल दिया था पहले नहीं बोला अभी बोला देखो जरा वहां पे टाइटल क्या है फॉर्मेट ऑफ जोर जोर से पढ़ो कॉस्ट शीट बेस्ड ऑन कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स आउटसाइड इंडिया / फाइनेंशियल अकाउंट्स ठीक है तो इसके लिए तुमको एक चीज समझ में आएगा अगर इंडिया में तुम लोग नहीं होते तो तुम्हारा अकाउंट्स और कॉस्टिंग सेम होता समझ में आता है तुम लोग इंडिया के अंदर हो ओके तो तुम्हारा कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग अलग है ओके क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट का जो फंडा है दैट इज नॉट सेम एज कॉस्ट शीट इसलिए वो अलग है ये अलग है सबको समझ में आ गया अब मेरे को तुम लोग कंक्लूजन्स बराबर से बता देना ओके दैट इज माई वर्क ऑफ लास्ट टू आवर्स विद यू ऑल ओके बराबर से मेरे को जरा बोलना मेरे को बोलना मतलब रॉ मटेरियल स्टॉक मेरे को बोलो इज इट डिपेंडेंट अपॉन इन इंडिया आउटसाइड इंडिया मेरे को बोलो क्या उसका वैल्यूएशन इन इंडिया आउटसाइड इंडिया के हिसाब से चेंज होता है नहीं होता इट इज ऑलवेज वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट लिखो मत बस मेरे से जरा बात करो आगे WIP स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट मेरे को बोलो शुड आई आस्क यू इन इंडिया आउटसाइड इंडिया फॉर WIP नो सो देयरफॉर इट विल ऑलवेज गेट वैल्यूड एट कॉस्ट कॉस्ट के ना कितने कॉस्ट आएंगे नाम बोलो डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स ठीक है अच्छा फिनिश गुड स्टॉक डज इट डिपेंड अपॉन इन इंडिया आउटसाइड इंडिया यस तो इधर लिख देता हूं इन इंडिया इधर लिख देता हूं आउटसाइड भारत / फाइनेंशियल अकाउंट्स बेटा वो दोनों चीजें सेम ही है ना ओके सो देयरफॉर मेरे को जरा बोलो इधर कितने कॉस्ट आएंगे इधर कितने कॉस्ट गिनती बताओ इन इंडिया में कितने कॉस्ट आएंगे फोर के फाइव फाइव कौन से फाइव बोलो डीएम डीएल DE, factory overheads and
एडमिनिस्ट्रेटिव, तुमको कैसे याद हो गया इतनी जल्दी? मैंने पढ़ा, ब्रिलियंट, ओके. वरना आई एक्सपेक्टेड आंसर, सर जो फिनिश गुड्स के ऊपर है दैट विल गो इनसाइड द स्टॉक. तो फिनिश गुड्स के ऊपर कितनी चीजें हैं बेटा? 5. लेकिन अगर कॉस्टिंग आउटसाइड इंडिया हो जाता है तो फिनिश गुड्स के ऊपर सिर्फ कितनी चीजें आती हैं? 4. कौन सी 4? DM, DL, DE एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है, चलो पेज नंबर 1.3 पे कंक्लूजन्स फर्स्ट कॉपी करो. ये हो गया तुम्हारा कंक्लूजन नंबर 1. ये जो तुम्हारा कंक्लूजन नंबर 2 है, दिस ऑल्सो यू ऑल नो मी नाउ, दीज आर ऑल योर ब्रैकेट्स वाला पार्ट जो हम लोगों ने ब्रैकेट्स के उधर लिखा था. मेरे को जरा बोलो, तुम्हारा कॉस्ट शीट इन इंडिया आउटसाइड इंडिया कहां से बदलना स्टार्ट होता है? मेरे को वो एरिया बताओ, किसके बाद बदलना स्टार्ट हो जाता है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ना, उससे पहले तो हमेशा सेम ही रहता है. तो एक कॉमन सेंस चीज है, कैन वी से चाहे इन इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, all these expenses are always incurred for two things. Which two things? Making finished goods plus making WIP. तो वहां पे लिख के रखना, every expense is dependent upon which quantity. DM, DL, DE, factory overheads, आगे लिख के रखो quantity produced of finished goods plus quantity produced of WIP. Quantity produced of finished goods प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP. अच्छा एक सेकेंड, बी वाला एक मिनट के बात करते हैं. मेरे को बोलो एसएनडी, चाहे इन इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, एसएनडी हमेशा कौन सी ब्रैकेट में आएगा? थर्ड ब्रैकेट में आएगा. इन थर्ड ब्रैकेट के अंदर वी राइट डाउन ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड फॉर क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स. सो वहां पे जो सी वाला पार्ट है, सी वाला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, आगे लिख के रखो क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स. अच्छा तो पंगा बीच में पड़ा हुआ है हमेशा किसका बेटा? एडमिन. मेरे को जरा बोलो, अगर इंडियन कॉस्ट शीट होएगी एडमिन विल कम इन विच ब्रैकेट? एक मिनट, तीन ही ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड के थर्ड, बराबर से बोलो. सेकंड, इफ इट इज कमिंग इन सेकंड ब्रैकेट, मतलब इट विल गेट डिपेंडेंट अपॉन विच क्वांटिटी? क्वांटिटी बोलो, क्वांटिटी पूरा बोलो, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स. लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया हो गया तो इट विल कम इन विच ब्रैकेट? थर्ड ब्रैकेट, मतलब इट विल गेट डिपेंडेंट अपॉन विच क्वांटिटी? क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स. तो फर्स्ट केस के अंदर लिखो बी पार्ट 1, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स. और सेकेंड पार्ट के अंदर लिखो क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स. चलो तुम्हारे ये वाले भी कंक्लूजन हो गए. ये तुमको कंक्लूजन तब बहुत काम में आते हैं जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी के लिए वी आर स्टिल डूइंग द थ्योरी पार्ट. अच्छा थर्ड पॉइंट बस तुमको इतना ही लिखवा रहा हूं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कॉस्टिंग के अंदर नहीं आते, वो तुम लोग नोटबुक के अंदर भी लिख ही चुके हो. फोर्थ पॉइंट, फाइनेंशियल इनकम्स भी कॉस्टिंग के अंदर नहीं आता है, ठीक है? लिखो थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डू नॉट कम इन कॉस्टिंग. Fourth, financial incomes do not come in costing.
अच्छा फिफ्थ सुनो, अभी ना ये झगड़े वाली बात है तो मारा मारी वगैरह भी हो ही जाता है वो कभी कभी। सुनो अभी इन दिस केस कई चीज़ों का ना हमेशा ज़िंदगी में डिस्प्यूट ही रहेगा, ये वाले एक्सपेंसेस किधर आएंगे। कई ऑथर लोग बोलते हैं इधर आएगा, कोई और ऑथर बोलता है इधर आएगा, मैं बोलता है किधर और ही आएगा। ओके तो दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट विल ऑलवेज रिमेन। जस्ट ट्राइंग टू गिव यू टू एग्जांपल्स। ओके एग्जांपल सपोज, सबसे पहले आई विल आस्क यू ऑल, चलो ये तुम्हारा फेवरेट चीज था इन FIJC एंड SYJC, तो सबसे पहले से बैड डेट्स मेरे को बोलो। बैड डेट्स तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे पास 6 हेड्स हैं अभी भी, एक डायरेक्ट मटेरियल है, एक डायरेक्ट लेबर है, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एक फैक्ट्री ओवरहेड्स है, एक एडमिन है, एक S&D है, लास्टली कोई चीज़ इधर फिट नहीं होता तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी बैड डेट्स भी सर एक्सपेंस ही है। ओके मेरे को बोलो इन 6 हेड्स के अंदर से किधर आएगा। ओके कुछ और, एडमिन में आएगा, कुछ और अच्छा बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, चल मेरे को वो बोलो, जो रिकवर नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा सा लंबा एक एसे लिखने का होगा तो बैड डेट्स कब होता है। बैड डेट्स कब होता है, आई नो कि बैड डेट्स का मतलब पैसा रिकवर नहीं हो रहा, लेकिन बैड डेट्स की ओरिजिनल स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है, डेटर्स जब भी होता है। ठीक है, लेकिन डेटर्स कब होता है, जब आप गुड्स सोल्ड करते हो। ठीक है, गुड्स कैन बी सोल्ड ऑन कैश और क्रेडिट, तो डेटर्स तब आता है व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश ऑन क्रेडिट। चलो ठीक है, मेरे को यही सुनने का था पूरा का पूरा, सॉरी सुनो। तो जरा सोचो अभी बैड डेट्स में सोच रहा था कौन सा एक्सपेंस होएगा। मेरे ख्याल से DM DLD तो नहीं हो सकता, फैक्ट्री भी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से एडमिन भी नहीं हो सकता। ओके इट डजंट हेल्प यू टू मैनेज योर बिजनेस बेटर। ओके लेकिन मेरे हिसाब से तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं तुमको दोनों चीजें जस्टिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे मन में कुछ और होगा यू कैन टेल मी दैट ऑल्सो। ओके अभी जरा सोचो बैड डेट्स, सपोज कोई एक सपोज मेरा कोई एक फ्रेंड था। ठीक है, मैं उसकी दुकान पर गया, उसका एक शॉप था, मैं उसकी दुकान पर गया, मैंने बोला भाई तू एक काम जरा कर, मेरे को ये वाले गुड्स वगैरह चाहिए तो मेरे को दे दे। बोलता ठीक है तू वो लेके जा। मैंने बोला ये ले पैसा। बोलता नहीं नहीं मैं तुझसे पैसे वो थोड़ी दूंगा। बोला ठीक है तो फिर मैं जाता हूँ। बोलता नहीं नहीं तू जा मत, सुन मेरी बात, हमारे इधर एक पॉलिसी है वेदर यू वॉन्ट और यू डू नॉट वॉन्ट, ओके वी विल गिव यू क्रेडिट ऑफ 30 डेज। मैंने बोला चल ठीक है। तो वो बंदा मेरे को 30 डेज का, तुमको लैंग्वेज समझ में आता ना, हाँ, तो मतलब मेरे को 30 दिन के ना उस बंदे को पैसा वो देने का था। ओके तो मैंने बोला ठीक है, सो आई हैव टू गिव यू द मनी विद इन 30 डेज। बोलता यस 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 यू हैव टू गिव मी द मनी विद इन 30 डेज। मैंने बोला थैंक यू। बोलता तूने थैंक यू को बोला। मैंने बोला तेरे को बाद में पता चल गया। मैं भाग गया उधर से, मैं परमानेंटली भाग गया उधर से। ओके अभी उस बंदे का बैड डेट हो गया, वो बंदा सोचता रहेगा यार बैड डेट क्यों हुआ। ओके अभी तुम लोग ये वाली स्टोरी आगे सोचते रहो, बैड डेट्स क्यों हुआ, यू थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग फर्दर। एक और स्टोरी बैड डेट के बारे में, ठीक है, सेकेंड स्टोरी। मैं दोनों स्टोरीज हाफ हाफ तो वो छोड़ने वाला हूँ, यू हैव टू थिंक द फर्दर थिंग। ठीक है, अभी एक बंदा ना सॉलिड कोई प्रोडक्ट वगैरह तो वो बनाता था लेकिन बिकता नहीं था। ओके वो बंदे ने सोचा गुड्स क्यों नहीं बिकता मेरा, फिर उसको रियलाइज हुआ क्योंकि वो लोगों को ना क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देता। ओके वो बंदे लोगों को बोलता है कि भाई कैश है तो गुड्स लेके जाओ वरना मैं गुड्स नहीं बेचूंगा। ठीक है, एक दिन उसने सोचा नहीं यार गुड्स तो बेचने का ही है, पैसा कैसे कमाएगा, तो गुड्स तो बेचने का ही है लेकिन गुड्स कैश के ऊपर बेचना कोई खरीदता नहीं है। तो उसने एक स्कीम स्टार्ट किया कि आज गुड्स ले लो, आफ्टर 45 डेज यू ऑल कैन पे द अमाउंट। ठीक है, उस बंदे का सेल्स बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो कहीं से फिर डेटर्स भी आ जाएगा इन बैलेंस शीट। ओके कई लोग पैसा देंगे, कई लोग तो भाग जाएंगे। ओके तो उस बंदे का बैड डेट्स हो गया। अब सोचो बैड डेट्स क्यों हुआ, एक पहले वाली स्टोरी मैंने आधी अधूरी छोड़ी, एक दूसरी वाली छोड़ी, मेरे को जरा बोलो अभी फर्स्ट स्टोरी के हिसाब से तुम्हारा बैड डेट्स क्या था, सेकंड स्टोरी के हिसाब से तुम्हारा बैड डेट्स क्या था। मेरे हिसाब से तुम्हारा आंसर अलग अलग होएगा दोनों चलो के, दैट्स व्हाट आई थिंक। मेरे को बोलो सेकंड स्टोरी के हिसाब से तुम्हारा बैड डेट्स क्या हुआ। बोलो सोचो ना यार बैड डेट क्यों हुआ। मेरे को बोलो सेकंड स्टोरी के हिसाब से बैड डेट क्यों हुआ, बिकॉज ही गेव द गुड्स ऑन क्रेडिट। व्हाई डिड ही वांट टू गिव द गुड्स ऑन क्रेडिट, बिकॉज ही वांटेड टू इंक्रीज इट सेल्स। ओके इफ ही वांटेड टू इंक्रीज द सेल्स मतलब वो कौन सा वाला एक्सपेंस हो जाएगा, S&D। ओके
फर्स्ट स्टोरी के हिसाब से मैं तो उस बंदे को कैश दे ही रहा था, वो बोलता कैश दे, मैं कैश देता, वो बोलता 30 डेज के बाद आ, मैं भाग गया उधर से। ओके, तो ये तो नहीं है कि वो बंदा मेरे को इसलिए क्रेडिट दे रहा था ताकि उस बंदे का सेल्स बढ़ जाए, इट वॉज जस्ट हिज पॉलिसी। ओके, तो मतलब दैट टाइम इट वॉज नॉट अ S&D एक्सपेंस। ओके, इफ इट वॉज नॉट अ S&D एक्सपेंस, मेरे ख्याल से वो फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिन तो वैसे भी हो नहीं सकता, तो फिर इन दैट पर्टिकुलर केस वो वाला चीज किधर आ जाएगा बेटा, फाइनेंशियल एक्सपेंस। ठीक है, तो कई एक्सपेंसेस के बारे में झगड़ा होता ही रहेगा आपको ना, क्वेश्चंस के ना इतना लंबा चौड़ा स्टोरी वो नहीं देंगे, दे विल ओनली राइट डाउन बैड डेट्स। ओके, तो फिर आपकी मर्जी है। कई लोग बोलता है सर उसको S&D ट्रीट करेंगे, तो फिर S&D की लिस्ट के अंदर उसको भी डाल देना। कई लोग बोलता है सर फाइनेंशियल एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, फिर वो कॉस्ट शीट के अंदर नहीं आएगा, स्टोरी इज ओवर। ठीक है, तो बैड डेट्स सम पीपल से इट इज फाइनेंशियल एक्सपेंस, सम पीपल से इट इज विच एक्सपेंस, S&D। ठीक है, यू कैन डू वन थिंग, राइट डाउन द नोट फॉर द अदर ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक चीज कर देना वो दोनों में से, राइट डाउन द नोट कि अल्टरनेटली ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, चलो ये हो गया फर्स्ट थिंग। अभी दूसरा ये सॉलिड चीज है, कैश डिस्काउंट। ओके, लेकिन कैश डिस्काउंट कौन सा बेटा, मैं ना तुम लोग को कॉस्ट सिखा रहा हूं, सो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन कैश डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि कैश डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी माय इनकम। तुमको समझ में आता है? ठीक है, तो मैं कैश डिस्काउंट अलाउड के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी मैं अनुज, ओके, मेरा यहां पे कुछ ना कुछ एक बिजनेस था जिसके लिए मेरे को रॉ मटेरियल वो चाहिए था। ठीक है, मैं मार्केट के अंदर गया रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो एक सप्लायर मेरे को मिला। मैंने बोला सुन मेरी बात है, ये वाला जो रॉ मटेरियल है तो कितने का देता है? बोलता MRP इज 100। मैंने बोला वो तो तू बोलता है, तो देगा कितने के अंदर? बोलता है जो बोलता है वही देगा, तो 100 रुपीज़ में ही देगा। ओके, मैं बोला कुछ डिस्काउंट वगैरह देना, मैं बहुत गरीब है। बोलता देना डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं होता। मैंने बोला प्लीज़, बोलता प्लीज़, तो वो कुछ नहीं, देर इज नो डिस्काउंट। ओके, मैंने बोला सुन मेरी बात, मैं तुझसे अभी 100,000 यूनिट खरीदूंगा। बोलता तू गरीब कैसे? मैंने बोला वो तू छोड़ दे। ओके, तू मेरे को कितना डिस्काउंट देता है? बोलता मैं तेरे को चल 20% का डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, तो मतलब एवरी यूनिट ही विल सेल टू मी एट व्हाट प्राइस यार? 80। दिस 20 इज पॉपुलरली कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट। ठीक है, दिस 80 इज पॉपुलरली कॉल्ड एज नेट सेलिंग प्राइस। ओके, याद रखना जब वो बंदा सेल्स का एंट्री पास करेगा तब वो बंदा एंट्री 80 रुपीज का ही पास करेगा, जब मैं परचेजेस का एंट्री पास करूंगा मैं 80 का ही एंट्री पास करूंगा। दुनिया में ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता, क्योंकि सब लोग जो रिकॉर्ड करता है दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। सबको समझ में आता है? ठीक है, तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट का तुमको एंट्री 11 स्टैंडर्ड से लेके आज तक कभी सिखाया ही नहीं। ओके, क्योंकि इन एनी केस हम लोग जो फिगर रिकॉर्ड करते हैं दैट इज आफ्टर रिड्यू। तुमको समझा? हाँ, अभी आगे की स्टोरी सुनो। मैं बोला यार 80 रुपीज में तो तू दे रहा है, कुछ और डिस्काउंट करना है यार। बोलता नहीं नहीं और डिस्काउंट तो हो नहीं सकता, जो मर्जी कर ले। मैंने बोला प्लीज, बोलता प्लीज प्लीज तो वो कुछ नहीं। मैंने बोला वो थोड़ा सा, बोलता थोड़ा बड़ा तो वो कुछ नहीं। मैंने बोला सुन मैं बहुत गरीब है। बोलता वो मेरे को पता चल गया तो कितना गरीब है। ओके, मैंने बोला प्लीज, बोलता प्लीज प्लीज तो वो कुछ। मैंने बोला सुन अभी जेब में पैसा है, अभी तेरे को पैसा देके जाएगा, फिर कितने का डिस्काउंट देता है? बोलता तू गरीब कैसे? मैंने बोला वो तो छोड़ दे। ओके, लेकिन तू कितने का डिस्काउंट और देगा? बोलता अभी अगर पैसा वो देता है ना बेटा, मैं तेरे को 5 रुपए का चल डिस्काउंट और देता हूँ। दिस विल बी नथिंग बट कैश डिस्काउंट फॉर हिम, इट इज एन एक्सपेंस नो फॉर हिम। जब वो बंदा मतलब जिससे मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, ठीक है, वो बंदा जब सेल्स का एंट्री पास करेगा ना 80 रुपीज का करेगा, कैन यू से 5 रुपीज इज एक्सपेंस फॉर हिम? अभी वो P&L अकाउंट में लिख देगा कैश डिस्काउंट अलाउड। ओके, कितने रुपीज का बेटा? 5। P&L अकाउंट के अंदर तो चलो आ जाएगा, लेकिन P&L अकाउंट इज योर नॉर्मल अकाउंट्स। ओके, कॉस्ट शीट के अंदर मैं उसको किधर डालूं? तो लोगों के दो व्यूज होते हैं। कई लोग बोलते हैं तू कैश डिस्काउंट इसलिए देता है ताकि तेरा सेल्स बढ़ जाए, अगर ऐसा बोलोगे तो वो S&D बन जाएगा। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं तू कैश डिस्काउंट इसलिए देता है ताकि तेरे को कैश जल्दी मिल जाए। इन दैट पर्टिकुलर केस दैट विल बिकम फाइनेंशियल एक्सपेंस। ओके, तो जैसे बैड डेट्स के लिए दो ऑप्शंस हैं, वैसे तुम्हारे कैश डिस्काउंट के लिए भी ये दो ऑप्शंस हैं। ओके, टेक्स्ट बुक पॉइंट नंबर 5 पार्ट ए, Disputed expenses, bad debt / cash discount allowed, आगे लिख के रखो। S&D और financial expense।
अच्छा पार्ट बी मैं तुमको दो ऑप्शन दे रहा हूँ लेकिन मैं तुमको दो ऑप्शन आज एक्सप्लेन नहीं करूँगा. ओके आई वॉन्ट योर मेंटल थिंग्स टू गेट डेवलप्ड एंड यू हैव टू ट्राई टू थिंक. ओके तो बैंक चार्जेस के आगे दो ऑप्शन लिख के रखो, ईदर एडमिन ओवरहेड्स और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. तुम लोग अपने लॉजिक्स एस्टैब्लिश करना कि सर बैंक चार्जेस एडमिन भी कैसे हो सकता है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी कैसे हो सकता है. इन 6 to 7 लेक्चर्स योर थिंकिंग विल स्टार्ट टू गेट डेवलप्ड. ओके सो चलो पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया. उसके बाद 6th, इवन कॉस्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूअल सिस्टम्स लाइक योर फाइनेंशियल अकाउंट्स. तो दैट आई गेस आई हैव टोल्ड यू. ठीक है चलो अपना जो मेन टास्क था basically of today that is almost over. okay first lecture hai, I'll not like to take up the questions kyunki whenever I take up the questions I would like you know that chunk of the things are done. okay so bas abhi thode se meko conclusions wo bol do before we end this particular thing. to costing tum log aaj start kar rahe hai, financial account tum logon ne zindagi bhar kiya hua hai. okay ye tumko bahut acche tarike se aata hai, ye tumko aaj thoda bahut to aaya. chalo cost accountant, chartered accountant. okay this is compulsory, this is optional. ICWA, ICAI, this is in India, outside India, this is universal. manufacturing, trading, PNL account and a balance sheet, sorry manufacturing, trading, PNL account and a balance sheet, यहाँ पर cost sheet आ जाता है. aim is to find out profit या loss and statement of asset and liabilities. aim is to have cost control. ठीक है तुम लोगों ने ये सब कुछ कर रखा है. उसके बाद जब एक कॉस्ट शीट बनाओगे, यहाँ तक कॉस्ट शीट तुम्हारा सेम ही रहता है, डीएम डीएलडी फैक्ट्री ओवरहेड्स वहाँ तक तुम्हारा कॉस्ट शीट सेम ही रहता है. उसके बाद डब्ल्यूआईपी स्टॉक ऐड करो, जो क्लोजिंग स्टॉक है लेस करो, वहाँ तक कॉस्ट शीट इज ऑल सेम. अगर उसके बाद इंडियन कॉस्ट शीट होगा तो ऐड एडमिन, अगर आउटसाइड इंडिया होगा या फाइनेंशियल अकाउंट्स होगा तो एडमिन अभी नहीं ऐड होगा, वो एसएनडी के साथ चला जाएगा. ठीक है उसके बाद इन एनी केस फिनिश गुड्स का स्टॉक एडजस्ट होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा सी ओ जी एस आ जाएगा. उसके बाद अगर इन इंडिया है तो सिर्फ एस एन डी ऐड होगा, अगर आउटसाइड इंडिया है तो एडमिन एंड एस एन डी दोनों ऐड हो जाएगा. ओके अपार्ट फ्रॉम दैट कॉस्ट ऑफ सेल्स एड प्रॉफिट गेट सेल्स. ठीक है तो मेरे को बस एक बार लास्ट टाइम वैल्यूएशंस बोल देना. रॉ मटेरियल स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट, डब्ल्यू आई पी स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर डी एम डी एल डी ई एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. फिनिश गुड स्टॉक यू कैन नॉट टेल मी बिकॉज आई हैव टू टेल यू द केस फर्स्ट. ओके इन इंडिया है तो डीएम डीएलडी फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एडमिन, यहाँ पे कितनी चीजें आ जाएंगी, डीएम डीएलडी एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारे जो भी एक्सपेंसेस हैं सर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑलवेज कम इन द फर्स्ट ब्रैकेट. सो देयरफॉर दे आर ऑलवेज इनकर्ड फॉर टू थिंग्स, विच टू थिंग्स, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ डब्ल्यू आई पी. सर एस एन डी ऑलवेज कम्स इन द थर्ड ब्रैकेट, सो इट इज ऑलवेज इनकर्ड फॉर क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स. बीच में भाई कौन अटक जाता है, एडमिन, उसके लिए दो ऑप्शन. अगर इन इंडिया है अभी बोलो तो क्वांटिटी अगे, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, और यहां पे अगर होगा तो क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स. सब लोग को इतना याद रहेगा. ओके विल बी मीटिंग टुमारो, बाय बाय.